हम आज पंचमहाभूत कृषि के भाग दो पर चर्चा करेंगे। पिछले बार हमने चर्चा किया था कि पंचमहाभूत क्या हैं और ये प्रकृति की रचना कैसे करते हैं, कि भूमि तत्व माता तत्व है, गगन पिता तत्व है, वायु प्राण तत्व है, नीर जीवन तत्व है और अग्नि स्फूर्ति है, मन जो है ये संचालन तत्व है, बुद्धि चेतना और अहंकार ये डीएनए है। ये हमने पिछले बार जो है पूरा ये चक्र जो है सुना था, सबको ध्यान में होगा कि कैसे पंचमहाभूत भूमि अन्नमय कोश, गगन प्राणमय कोश, वायु मनोमय कोश, अग्नि विज्ञानमय और नीर आनंदमय कोश और अहंकार डीएनए बीज कोश का निर्माण कैसे करती है, ये विस्तार से हमने पिछले सेशन में सुना था। आज हम बात करेंगे पंचमहाभूत कृषि पर, ये पंचमहाभूत प्रकृति में जीवन का निर्माण कैसे करते हैं और कृषि में कैसे जो है ये काम करते हैं। मैं इस पर जो है वर्ष 2005 से लगातार काम कर रहा हूं और प्राकृतिक खेती शोध संस्था का गठन करके 2009 में हमने इस पर व्यापक काम किया। लगभग 18 फसलों के हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन लिए हैं। सभी जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन वाली फसलें मेरे यूट्यूब चैनल TCBT की पाठशाला में है और किसानों की सक्सेस स्टोरी है नाम और नंबर सहित। इस पद्धति यह जो पद्धति है प्रकृति के ऊर्जा चक्र पर आधारित है। जो ऊर्जा चक्र है, ऊर्जा चक्र जो है हर जीव का ऐसे चलता है, इस ऊर्जा चक्र इकोलॉजी पर आधारित है और इसीलिए मूल प्राकृतिक कृषि मैं पंचमहाभूत कृषि को ही कहता हूं। यह कृषि किसान को न केवल रसायन मुक्त करेगी, बाजार मुक्त भी कर देगी, गांव स्वावलंबी हो जाएंगे, कुछ नहीं कोई चीज लेने बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस वो वस्तु विनिमय की दुनिया आएगी, जिसके पास अच्छी चीज है वो दूसरों को देगा, दूसरे से अच्छी चीज खुद लेगा और सबका जीवन अच्छा होगा। तो आइए आज कृषि की इस दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। जो प्राकृतिक पंचमहाभूत जो कृषि है उसमें सारा काम जो है वो पंचमहाभूत करते हैं। भूमि खनिज तत्व देता है, गगन उसमें फूल खिलाता है, वायु तत्व उसमें प्राण भरता है, अग्नि तत्व उसको जो है फल को बड़ा करता है, पकाता है, स्वाद लेके आता है और नीर तत्व बीज बनाता है। तो ये पंचमहाभूत अगर खेती में काम करेंगे तो हमको काम नहीं करना पड़ेगा। ये पंचमहाभूत जो काम करते हैं उनकी जो है वो खुद की एक व्यवस्था है, वो स्वयं पोषी व्यवस्था, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण है वो व्यवस्था, उसमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये पंचमहाभूत काम करेंगे कंप्लीट और इनके काम करने से जो उपज आएगी वो अनलिमिटेड, मतलब रासायनिक खेती या किसी भी खेती में तो लिमिटेड है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं ले सकते भैया, लेकिन इसमें अनलिमिटेड है। जहां एक बाली निकलती वहां तीन आती है, जहां धान में एक दाना निकलता है मतलब एक बाली निकलती दो दो बाली हमने लिया है, बाजरे में ज्वार में जो है जहां से एक पौधा होता है एक गुच्छा बनता, हमने पांच गुच्छा लिया है। तो जब जो है पंचमहाभूत काम करेंगे तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन बहुत लिया जा सकता है और इसकी आज्ञा वेदों ने दिया है, अन्नम बहु कुर्वीत, खूब अन्न पैदा करो। तो आइए हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं जो पंचमहाभूतों की दुनिया है, उसमें जो है तीन स्तर हैं, ऊर्जा का स्तर, अणुओं का स्तर और जीवाणुओं का स्तर। और ये 96% दुनिया है, हम जो जिसको दिखाई दे रहे हैं, हम तुम पेड़ पौधे हाथी घोड़ा चींटी और मधुमक्खी, ये सब 4% है। जो दिखाई देने वाली दुनिया है 4% है, नहीं दिखाई देने वाली दुनिया ये है, उसमें ऊर्जा है, अणु है, जीवाणु है। और अकेले जीवाणुओं की जो दुनिया है उसमें एक ग्राम मिट्टी में जो है 2 करोड़ से लेकर के 2 खरब तक बैक्टीरिया रहते हैं। इसको आधुनिक विज्ञान बोलता है CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, CFU कहता है 2×10^2 × 10^6
या सात या आठ या नौ या दस या ग्यारह, यानी दो के आगे ग्यारह शून्य लिखेंगे, इतने जीवाणु होते मात्र इतनी सी मिट्टी में। और यही जीवाणु जो है पेड़ पौधों को जीवन देते हैं। हवा से खींच के नाइट्रोजन देता है जीवाणु पेड़ को, है ना। फास्फोरस मिट्टी यानी फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम है। ये फास्फोरस का जीवाणु फास्फोरस देता है, पोटास का जीवाणु पोटास देता है, जिंक का जीवाणु जिंक देता है, आयरन का जीवाणु आयरन देता है। 30 फुट नीचे से पानी लाके देने वाला एक जीवाणु है माइकोराइजा, एक कवक है, फफूंद है, वो पानी लाके देता है। ना केवल जड़ में लाता है, उसका छोटा भाई है एक्टोमाइकोराइजा, जो पत्ती तक लेके जाता है, 40-50 फुट ऊपर पेड़ तो रहेगा, वहां पत्ती तक लेके जाता है पानी को। तो ऐसे प्रकृति में सारा काम जीवाणु करते हैं। ये काम करने लग गए पंच महाभूत, यानी आपके पंच महाभूत ने प्रकृति बनाने का काम किया। और ये पंच महाभूत है, इसके अंदर जो है ये जो है प्रकृति का निर्माण होते रहता है और सतत होते रहता है, पता ही नहीं चलता। एक दूसरे से ये जो है ऐसे कनेक्ट होते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे प्रकृति का निर्माण होने लगा है। ये देखिए, इसके अंदर फिर एक बन गया, एक स्टार, ये स्टार है, यहां है भूमि तत्व ग ग व अ और ना, ये पंच महाभूत है। ये पंच महाभूत के अंदर फिर एक पंच महाभूत और इसके अंदर फिर एक पंच महाभूत आ जाएगा, है ना। इसके अंदर भी एक पंच महाभूत बन जाएगा। ये देखिए, ये फिर पंच, तो ऐसे बनते चढ़े जाते हैं। तो बड़ा ब्रह्मांड है, उसी के अंदर जो है हमारा सौर मंडल है पंच, उसी के अंदर हमारा ग्रह है, हमारी धरती है। धरती के अंदर जो है कितने तरह के सूक्ष्म मतलब अणु हैं, 108 अणु हैं, इनमें भी पंच महाभूत। अणुओं के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, ये भी पंच महाभूत से बने हैं सारे कण। यहाँ एक जो है क्वांटम की दुनिया हो गई, ये जो है यहाँ पर भी पंच महाभूत काम करते हैं। तो ऐसे बड़े स्तर से लेके सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जितना इसको तोड़ा जाएगा उतना पूर्ण, यानी शून्य से शून्य का निर्माण होता है और पूर्ण होता है। जैसे जो है एक एक यदि आम का पौधा है और वो आम अगर 1000 फल देता है तो यहाँ 1000 आम भी पूर्ण रहेंगे और इसके जैसे रहेंगे। तो पूर्ण से पूर्ण की निर्मिति इस तरह से पंच महाभूत प्रकृति की करते हैं। ये व्यवस्था स्वयं पोषी, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण है। इनको काम दो, इनको प्रकृति बनाने दो। और जीवाणु जो है पंच महाभूत के बने हुए अणु को, जो अणु होता है जहां एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है ना, हीलियम, हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे जो 108 तत्व हैं, इन तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जीवाणु करते हैं। इसलिए जीवाणु जीवन देते हैं। तो खेती में पंच महाभूत की व्यवस्था और जीवाणुओं की व्यवस्था पूर्ण है तो फिर कहीं किसी को कुछ काम नहीं करना है। केवल जो है किसान को निश्चित नक्षत्र पर बीज बोना है और फसल काटनी है। अब ये जो है ये पंच महाभूत जो प्रकृति को बनाते हैं, इनका भी क्षय होता है, इनको भी ऊर्जा चाहिए, पंच महाभूत को ऊर्जा चाहिए, भूमि को 108 अणु चाहिए रूप के फॉर्म में, सारे तत्व चाहिए। ये माता तत्व है, भूमि माता तत्व, इनको भी जो है भोजन चाहिए, गगन को भी भोजन चाहिए। गगन यानी गगन केवल 3 ऊर्जाओं से बना है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये तीनों मिलकर के गगन तत्व का निर्माण किए। तो इनकी भी ऊर्जा क्षय, इनकी भी जो है शैलपुत्री अणु बनता तो खाली हो गया, तो इसको जो है यहां पर भी गगन के अंदर शैलपुत्री चाहिए, ये सूक्ष्म ऊर्जा चाहिए। अभी जो है वायु को भी क्षय होते रहता है, ठीक है, असंतुलन होता है वायु में, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया
तो तापमान बढ़ गया, घट गया तो तापमान घट गया, हिमयुग आ जाएगा। तो इसको भी जो है वायु तत्वों का भी क्षय होते रहता है, अग्नि तत्वों का भी क्षय होते रहता है और नीर तत्वों का भी क्षय होते रहता है। तो इनको भी ऊर्जा चाहिए, इन महाभूतों को। तो ये ऊर्जा देने का काम ये अग्निहोत्र करता है, पिछले बार बताया था। और अग्निहोत्र को कंडे चावल घी देने का काम गाय करती है, क्योंकि गाय जो है विश्व गाव विश्वस्य माता, विश्व की माता है गाय। तो इस तरह से जो है गाय से जो है अग्निहोत्रों के साथ ऊर्जाएं निकलती है और ये ऊर्जा पंच महाभूतों को शुद्ध और सजीव करती है। इसके अलावा गाय जो भी प्रकृति में दिखने वाले जीव हैं उनको भी पोषण देती है। तो इस तरह से ये आधार हैं। भूमि तत्व का मैंने पिछले बार बताया था कि भूमि तत्व हम जो है जमीन से भी प्राप्त कर सकते हैं, गगन से रंग के रूप में, वायु से गंध के रूप में, अग्नि से स्वर के रूप में और नीर से स्पर्श के रूप में हम ये भूमि के 108 तत्व प्राप्त करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सूक्ष्म है। भूमि से हम अगर फास्फोरस निकालेंगे तो उसका आकार फुटबॉल के मैदान की तरह है, और गगन से फास्फोरस निकालेंगे तो फुटबॉल के एक जो है फुटबॉल के कोने में जो आकार बना है उसके बराबर है। वायु से भी जो है निकाल सकते हैं, अग्नि से, क्योंकि ये माता तत्व है। इसीलिए जो है ये माता तत्व पांच जगह से प्रकृति हमें दे रही है, और मैं पांचों जगह में से तीन स्थानों से फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, जिसे आधुनिक विज्ञान खनिज तत्व कहता है, ये निकाल के और हम फसलों में पूर्ति करने में सक्षम हो गए हैं। हम रूप यानी जमीन से निकाल सकते हैं फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन। रंग यानी सूर्य के प्रकाश से निकाल सकते हैं फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और गंध यानी हवन करके, जला करके, हवन करके हम जो है फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम निकालने में सक्षम हो गए हैं। और उसी के ये फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले हैं उसी के। फार्मूले ये कि हमने अगर भूमि से निकाला तो रस, भूमि से निकालेंगे तो रस कहलाएगा। तो रस जो है वो ऊर्जा जल के अंदर तत्व है, अणु जल के अंदर भूमि तत्व है, जीवाणु जल के अंदर जीवाणु भी उपलब्ध कराते हैं, जैव रसायन फलों से हम, मिट्टी द्रव्य रसायन से, छाछ द्रव्य, इतने जो है फार्मूले हैं जिनसे हम भूमि तत्व यानी फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल, बोरान और कार्बन, ये सब हम निकाल सकते हैं। और ये फार्मूले सब सक्सेस हैं और बहुत ही प्रभावी रिजल्ट है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही भस्म चिकित्सा से आयुर्वेद के, इससे हम भस्म रसायन बना रहे हैं, इससे भी बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति होती है। अग्निहोत्र भस्म से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की। गंध चिकित्सा, फफूंदों को समाप्त करने के लिए फफूंद रोधी रसायन, कीट रोधी रसायन बना के भी न्यूट्रिशन देके हम और बीमारियों को रोकते हैं, क्योंकि जिंक की कमी होगी तो वायरस आता है, जिंक की कमी थी तो हमारे शरीर में कोरोना आया। तो अगर हमारे शरीर में जिंक है तो कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रभावी नहीं हो सकता। तो न्यूट्रिशन है तो कहीं कोई फंगस वायरस आना नहीं है, रस चूसक। ऐसी रंग से भी हम जो है नीले पीले बॉटल से ये भूमि तत्व निकालते हैं और ये भूमि तत्व की हम पूर्ति करते हैं पौधों में। स्थायी उपाय, तात्कालिक उपाय मैंने दिया है, पिछले बार भी बताया था, ज्यादा चर्चा इस पे करूंगा नहीं। आज मैं सीधे फार्मूलों पर आता हूँ। गगन तत्व का भी मैंने पिछले बार बताया था, है ना, वायु तत्व का भी बताया था, इसकी कमी के क्या लक्षण है, स्थायी और तात्कालिक उपाय क्या है। अग्नि तत्व भी क्या है, इसके जो है इसके लक्षण क्या है पौधों में कमी के, इसके स्थायी और तात्कालिक उपाय क्या है, ये पिछले सेशन में बताया था। जल तत्व का भी बताया था, इसके लक्षण, इसके स्थायी और तात्कालिक उपाय। अब जो है हम टीसीबीटी प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से हम कैसे पंच तत्व चेक करते हैं, तो मैंने बताया पंच तत्वों से पूरी प्रकृति बनी है। हर जो है पानी के अंदर भी पंच तत्व पूर्ण होना चाहिए, भूमि के अंदर पंच तत्व पूर्ण होना चाहिए, वायु में भी पूर्ण होना चाहिए, अग्नि में भी। वैसे ही गाय के, गाय में भी पंच तत्व पूर्ण होगा। यदि गाय कफज होगी, इसमें अग्नि तत्व कम होगा, तो उसके गोबर में भी अग्नि तत्व कम होगा। और गाय अगर जर्सी गाय है तो वो तो निगेटिव पंच महाभूत है उसके, वो तो हमारे शरीर की ताकत को घटाते हैं। तो पहले गाय में चेक करते हैं हम माला से, हमारे रुद्राक्ष के माला से हमें चेक करते हैं, ये डाउजिंग कहलाता है।
अब विदेशों ने इसको डाउजिंग कह के दुनिया को बताया, और भारत में ये डाउजिंग रुद्राक्ष के माला से और वैजंती से किया जाता था। इसलिए जो शैव थे वो रुद्राक्ष रखते थे, जो वैष्णव थे वो वैजंती, और इसलिए रखते थे कि हर चीज में पंचमहाभूत चेक करते थे। वो खाने के पहले भोजन में पंचमहाभूत चेक करते थे, यदि भोजन में पंचमहाभूत नहीं रहा तो फिर वो उपाय करते थे पंचमहाभूत बढ़ाने का, ठीक है, रस से, गंध से, स्वर से, मंत्रों से भी पंचमहाभूत पूर्ण करने की प्रक्रिया भारत में थी। तो पंचमहाभूत युक्त भोजन ही पहले किया जाता था, पंचमहाभूत युक्त कपड़े पहने जाते थे, जिन घरों में पंचमहाभूत हो उसी घर में रहते थे। इसलिए प्राचीन भारत में जो घर थे उनकी ऊंचाई ज्यादा रहती थी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई रहेगी तो आकाश तत्व रहेगा घर में, खिड़कियां इसलिए लंबवत थी कि ज्यादा वायु आएगा। तो पंचमहाभूत की गणना के आधार पर मकान बनते थे, पंचमहाभूत की गणना के आधार पर भारत में 16 संस्कार बनाए गए थे कि अगर जो है गर्भ में है तो पुंसवन संस्कार करने से शिशु का पंचमहाभूत पूर्ण हो जाता था। तो जहां भी पंचमहाभूत अपूर्ण रहे वहां संस्कार करके पूर्ण किया जाता था, और जब पूरी प्रकृति में पंचमहाभूत जो है घट बढ़ जाते थे तो सोम यज्ञ किया जाता था, और सोम यज्ञ द्वारा और सभी महा जो है भूतों को, पंच तत्वों को, फाइव एलिमेंट को, उनको सारे तत्व दिए जाते थे। और राजा अश्वमेध यज्ञ पंच महाभूतों को अपने पूरे राज्य में पंच महाभूत पूर्ण हो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई अपने आप को बलशाली बनने के लिए नहीं, कि वैसे भी वो बलशाली कहलाता जब पूरे पंच महाभूत ठीक करेगा तो उसका राज्य तो धनवान और बलवान हो ही जाएगा। तो पंच महाभूत को जो है चेक करने का ये यंत्र है, इसलिए इसको 17 नंबर का पाना मैं कहता हूँ। जैसे आज का जो है मिस्त्री होता है ना, वो अपने अपने साथ 17 नंबर का पाना रखता है ना, कब क्या जरूरत पड़ जाए कसने की, खोलने की और लगाने की, वैसा ये है। इसलिए हर जो है मनुष्य के पास होना चाहिए, और पंच महाभूत आधारित जीवन जीना है तो हर जगह से इससे चेक, हमने इसका चेक करना शुरू किया, पहले गाय, फिर कंडे, फिर इसके कंडे से अग्निहोत्र किया, भस्म को चेक किया, फिर हम मिट्टी का चेक करते हैं भूमि में पंच महाभूत है कि नहीं, अगर कमी होगी तो हम बताते हैं भाई ये करो, आपका अग्नि तत्व तो घटा है तो सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज वाले भस्म रसायन डालो, है ना, लाल मिट्टी डालो, पीली मिट्टी डालो, ये रिकमेंड करते हैं हम। फिर जो है बीजों में पंचमहाभूत, जिस बीज में पंचमहाभूत, मान लो अग्नि तत्व नहीं है तो उस बीज में रस चूसक कीट आना ही है, उठते ही उसमें कीटों का हमला होगा। जिसमें पंचमहाभूत पूर्ण है जिस बीज में, वहां कोई कीट हमला ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो भूमि और बीज दोनों में पंचमहाभूत पूर्ण होना चाहिए, पानी में पंचमहाभूत पूर्ण होना चाहिए, फिर मिट्टी के अंदर पीएच, ईसी, कार्बन है उनके भी महत्वपूर्ण घटकों का पंचमहाभूत पूर्ण होना चाहिए, फिर नक्षत्रों पर हमको बीज लगाना। इसके लिए हर साल हम एक कैलेंडर जारी करते हैं, ये हमारा कैलेंडर है, और हर साल हम ये कैलेंडर जारी करते हैं पंच महाभूत का, कि जिन किसानों के पास जो है, जिनको खेती करना है, इस कैलेंडर में लिखा रहता है किस तिथि में क्या बोना है। जैसे ये जो है फल वर्गीय, किस तिथि में बोना है, तो चतुर्थी, पंचमी, त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तो जो तिथि पर बोता है उसके खेत में बीमारी नहीं आती, बीमारी नहीं आना है। तो तिथि पर बोनी करने से बीमारी नहीं आती, ऐसे हमारे सैकड़ों किसानों का अनुभव है। तो तिथि पर बोनी करना, और इसका थोड़ा सा मैं बताता हूं तिथि पर क्यों। ये जो चंद्रमा है ये वनस्पतियों का देवता है, चंद्रमा तय करता है कौन सा बीज उगेगा। जैसे बारिश में कितना ही पानी आए, कितना ही पानी मिले, सरसों नहीं उगता, सरसों हस्त नक्षत्र में ही उगता है, हस्त नक्षत्र में पानी ना मिले तब भी सूखे भूमि में सरसों उग जाएगा, बाकी समय में सरसों उगता नहीं है, ऐसे हर नक्षत्र के तय है। यदि धान को हम जो है धान का भी नक्षत्र है मृग नक्षत्र में लगाते तो उसमें बीमारी नहीं आती, ऐसे और बराबर उसका जर्मिनेशन होता है। ये हमारे पूर्वजों की मान्यताएं थी, और हमने कैलेंडर के हिसाब से लगा के, और हमको ये मान्यता 100% सत्य सत्य सिद्ध हुई है कि नक्षत्र पर बोनी करना। फिर हर अमावस्या में कीटों का प्रजनन होता है, तो कीट रोधी जो हमारे फार्मूले, ऊर्जा जल, अणु जल, छाछ द्रव्य रसायन, ये हम डलवाते हैं, भस्म रसायन ये डलवाते हैं,
अब पूर्णिमा के समय में जो है जीवाणुओं की उत्पत्ति होती है खेती में, तो जीवाणु जल, सजीव जल, पंचगव्य, अन्य द्रव्य रसायन ये हम डलवाते हैं। तो अमावस्या में ऊर्जा और अणु और पूर्णिमा में जीवाणु, इनको हमको खेती में स्टेब्लिश करना। बस टीसीबीटी प्राकृतिक खेती या पंचमहाभूत कृषि की यही कहानी है। अब है त्रिदोष असंतुलन। पंच महाभूतों के असंतुलन का नाम ही त्रिदोष है। कैसे है? भूमि तत्व शरीर में ज्यादा हो गया तो शरीर कठोर हो गया। जो WWF वालों के जो शरीर है ना, ऐसे नहीं मोड़ सकते, उकड़ू नहीं बैठ सकते। आजकल बहुत लोगों की समस्या उकड़ू नहीं बैठ सकते, तो समझ जाना उनके शरीर में भूमि तत्व बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, ठीक है, वो दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। और जिनका कम है भूमि तत्व वो कुपोषित हो गया। जिनका गगन तत्व ज्यादा है बीज बनेगा, है ना, गगन तत्व कम है तो वजन घटेगा, वायु तत्व ज्यादा है तो वात, कम है तो रुक्षता हमारी जो है सूख जाती है, होठ जो है फटने लगते हैं। अग्नि तत्व ज्यादा है तो पित्त बढ़ गया, कम हो गया तो स्निग्धता यानी कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो गया, ठीक है। नीर तत्व ज्यादा है तो कफ हो गया, कम है तो पित्त बढ़ गया। तो ये पंच महाभूत को हमेशा संतुलित रखना पड़ेगा। जिस मात्रा में हम जो है माँ के गर्भ से पैदा हुए कि 70% जल तत्व चाहिए तो चाहिए, पूरे जीवन भर मेंटेन रखना है। अग्नि हमेशा 32° टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना पड़ेगा। वायु हमको 21% रोज खाना पड़ेगा, रोज इतना, ठीक है। और बीज आकाश तत्व 8% हमारे शरीर में होता है, ये मेंटेन रखना पड़ेगा। और भूमि तत्व 1% मेंटेन होता है, और उसमें भी तय है फास्फोरस 0.45 चाहिए, पोटास 0.40 चाहिए, और आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज 0.05% चाहिए। तो ये तय तय है। पीएच जो है 7.2 चाहिए, ठीक है, ये तय है। हमारे ब्लड का पीएच जितना धरती का पीएच उतना हमारे ब्लड का पीएच होना चाहिए, तो ये तय है बिल्कुल। तो ये पंच महाभूत जो तय है पैदा होते ही उसको जीवन भर, क्योंकि अपरा ऊर्जा है, पिछले बार इस पर कुछ मैंने प्रकाश डाला था, तो ये इसको अगर ये परिवर्तित हो गया तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमको फसल में इसका ध्यान रखना है, जिसकी कमी ज्यादा होगी उस पर काम करना है, बस ये हमने किया है। क्योंकि हम जांच लेते हैं, अभी क्या होता है हमारी खेत में बहुत गड़बड़ है, अभी असंतुलन ही हुआ, सब कुछ गड़बड़ है। भूमि का जो है भूमि तत्व में भूमि तत्व अपूर्ण है, अग्नि तत्व अपूर्ण है, वायु तत्व क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है, मिट्टी जड़ी अंदर नहीं जा सकती, कॉम्पैक्ट है, वापसा नहीं बनता, पूर्ण है। कई कई खेतों में गगन तत्व ही नहीं है, एक भी जगह नहीं, बिल्कुल पत्थर जैसा कठोर और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। तो गगन नहीं है, वायु नहीं है मिट्टी में, अग्नि नहीं है मिट्टी में, भूमि नहीं, चार चार तत्व, और कहीं कहीं और नीर तत्व भी नहीं है। क्यों? पानी दो तो कीचड़ मचता है, अंदर वापस ही नहीं बनता, पानी पकड़ने की क्षमता ही नहीं मिट्टी में, ऊपर पड़ा रहता है, या तो पानी रीच हो गया अंदर चला तो पानी पकड़ा। तो पांचों में से पांचों तत्व अभी हमारी खेती में खत्म हो गए, पांचों में पांचों। भूमि भी नहीं है, गगन भी नहीं है, वायु भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, नीर भी नहीं है। जहां अग्नि नहीं है तो वहां रस चूसा कीट आते हैं, वायु नहीं है वहां जड़ अच्छे से अंदर जाती नहीं, वापसा नहीं बनती, ग्रोथ नहीं होती। गगन नहीं है तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा, भूमि नहीं है तो तना जो है और लचीला बनेगा। तो अभी हमने भूमि उपचार की पूरी प्रक्रिया बनाई है, कैसे भूमि उपचार करके, और चार माह में हम जो है ये भूमि उपचार की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। और फिर उसके बाद जिंदगी भर जुताई निताई गुड़ाई नहीं करना, पंच महाभूत खेती का काम करेंगे और जीवाणु फसल पकाएंगे। तो 4 महीने का एक कोर्स है। क्या कोर्स है? मैंने अपने यूट्यूब पर बताया है कि पर संक्षिप्त में बता देता हूं कि भाई हमने जो है खेत के मेड़ में CVR टेक्निक है, वो 5 फुट गहराई की मिट्टी खोद के खेत में फैला दो पूरी मिट्टी, वो नाली 4-5 काम आती है, खेत का पानी को खेत में रोकेगी, खेत की मिट्टी वहां बह के वहीं जाएगा, ठीक है, पशुओं से बचाएगी, माइक्रो न्यूट्रेंट हमारे खेत को देगी, सुरक्षा का भी काम करेगी। तो नाली बनाओ, लाल पीली सफेद मिट्टी डाल दो, ऊर्जा जल डालो कुछ 1000-2000, मिट्टी पॉजिटिव करेगी, है ना, ये मृदा आच्छादन है, अपरदन नहीं, है ना, ये जो है CVR मिट्टी इसको कहते हैं।
फिर ऊर्जा जल डालो 1000 से 2000 जीवाणु जल डालो, सारे अभी मिट्टी में जीवाणु खत्म हो गए, कीटाणु आ गए उसके जगह, तो जीवाणु जल डालो 1000 2000 3000 4000 5000 लीटर तक, 2 साल में करो ये कोर्स, आराम से करो फसल लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 महीने में कर लोगे तो सीधे TCBT सीधे रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती आ जाओगे, पंच महाभूत कृषि में सीधे, नहीं तो फसल लेते लेते भी ऊर्जा जल दो, जीवाणु जल दो, फफूंद भक्षक दोगे तो फंगस मरेगा, कीट भक्षक बोल दोगे तो जितने भी कीट है 35-40 तरह के, माहू मच्छर तेला चेपा इल्ली ये मरना है, लाल मिट्टी डालोगे तो उसमें आयरन होता है, जिंक मैंगनीज कॉपर होता है तो उसकी पूर्ति होगी, सब पीली मिट्टी डालो सल्फर होता है ना, सफेद मिट्टी भी डालो उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, सफेद मिट्टी इसमें लिखा नहीं है, सफेद मिट्टी ये पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाता है, इसमें कैल्शियम होता है 55%, और कितना जरूरत है कैल्शियम हमारे शरीर में, हड्डियों की जरूरत है, भले जो है चूना भी डाले 1/4 क्विंटल किसान, एक पहले साल 1 क्विंटल दूसरे साल 1 क्विंटल, रॉक सॉइल ये मिट्टी के कठोरपन को तोड़ता है, ये डाले 1-2 क्विंटल, फिर तिल बोए पूरे खेत में, और तिल बोए और तिल बोए जब सिंचाई करे तो यही ऊर्जा जल अणु जल जीवाणु जल ऊपर की चीजें डालते रहे, और 1-1.5 महीने बाद उसको तिल को जमीन में गड़ा दे, फिर तिल बोए, फिर ऊर्जा जल अणु जल जीवाणु जल फफूंद भक्षक घोल कीट भक्षक घोल डाले, मिट्टी अच्छी हो जाएगी, जमीन में गड़ा दे और बेड बना दे, ठीक है। ये थोड़ा जैव रसायन भी डालें खेत में, गोवर्धन खनिज खाद भी डाल दें, जैव रसायन फलों से बनता भी मैं बताऊंगा, ये सारा काम पहले करना पड़ेगा। आदमी बीमार रहता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, फिर वो जो स्वस्थ होता है तब काम कराते हैं, हम अस्वस्थ मिट्टी में लगातार देर जुताई जुताई कर करके, और जुताई खेती का सबसे बड़ा अपराध है बंधु, सबसे बड़ा अपराध है खेती का, जुताई के कारण से जमीन का सारा माइक्रोन्यूट्रेंट बह गया, जुताई के कारण से जो है मिट्टी गर्म होती तो अंदर का जुताई किए तो अंदर जो कार्बन पड़ा है वो गर्म होके वाष्प बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऊपर आ जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान भर में 99.99% किसानों के यहाँ और ज्यादा होगा 0.3% कार्बन है, जो बहुत कम में आता है, रेड लाइट में आए मतलब समझ जाना कि वो बहुत दिक्कत है, इतना परसेंट कार्बन होना चाहिए 1.0, कम से अब इतना प्रतिशत होना चाहिए, और 2% भी होना चाहिए, मेरे कई किसानों के यहाँ 4 महीने का भूमि उपचार करके 1% और अगले 8 महीने मतलब कुल 12 महीने में 2.8% तक कार्बन आ गया। हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटियों के विश्वविद्यालयों का भी मिट्टी चेक करोगे ना तो 0.5 से अंदर में है, यूनिवर्सिटियों की मिट्टी भी चेक करोगे तो आप भारत की जो मैं जानता हूं, क्योंकि वहां भी जुताई होती है यूनिवर्सिटियों के जो और कृषि विज्ञान केंद्रों की खेती होती है, तो जुताई खेती का अपराध है, बिना जुताई की खेती में आना पड़ेगा, और जुताई नहीं तो हर समस्या नहीं, खरपतवार नहीं उगेगा, अभी तो जुताई नहीं करेंगे तो खरपतवार खूब उगेगा, तो किसान को लगता है बिना जुताई की खेती कैसे होगी, लेकिन एक बार अपने खेत में जो है 0.1% कार्बन आप इस्टेब्लिश कर लो, मिट्टी मक्खन जैसा मुलायम कर लो, मिट्टी में गोवर्धन खनिज खाद डाल दो आप 1 साल तक 25-25 किलो, कुल 2 क्विंटल डाल दो बस गोवर्धन खनिज खाद, एक नायाब फार्मूला है अपने, तो अभी हमने इसको खाद को बनाया था फर्टिलाइजर के लिए, DAP के सब सब्स्टिट्यूट के लिए इस खाद को मैंने बनवाया था गौशालाओं में, जब किसानों ने डाला तो बोला हमारे खरपतवार ही नहीं उग रहे, पहले ही बार में जो है 20-25% कहीं 50% खरपतवार नहीं उगे, तो अगली बार 90% खरपतवार उगे ही नहीं, तो अभी जो है जैविक प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार, इसके कारण हैरान परेशान है किसान और खेती छोड़ रहा है अब तो, इतना खरपतवार यानी जिसको तृण बोलते हैं कचरा बोलते हैं खूब उगता है, गोवर्धन खनिज खाद डालो उगना ही बंद हो जाता है, इसका फार्मूला बताऊंगा आपको, तो ये जो है हम भूमि उपचार कर लें बिना जुताई की खेती हम करेंगे, ठीक है, स्थाई बेड बना करके, तो अभी हमारे खेत में 2% कार्बन हो गया, 4 माह में 2 बार तिल गड़ाओगे ऊर्जा जल अणु जल जीवाणु जल डालोगे ना, आराम से जो है 1.25% बढ़ जाता है, 1.25% कार्बन हो जाता है, उसके बाद बेड बनाना है, बेड कैसे बनाना है कि हमको जो है कोई भी प्लाउ वो जो बेड बनाने का आता है
उससे या तो फिर जो है मजदूरों से बनवा लो बिना ट्रैक्टर घुसाए, क्योंकि ट्रैक्टर घुसाओ तो कॉम्पैक्टनेस आता ही है। तो आप जो है ऐसे बेड बना सकते हो, ये जो है ये 1.5 फुट की नाली बना दो और ये जो है ये 3.5 फुट का बेड, तो ऐसे ये जो है ये बेड बना दो थोड़ा, ये हो गया नाली, और ऐसे बेड बनाते चले जाओ, ये हो गया बेड, ये जो हो गए नाली हो गई। और ये जो बेड है चूंकि इसमें कार्बन है और ये मिट्टी ऊपर जाएगी तो ये बेड थोड़ा जमीन से 6 इंच ऊपर उड़ जाएगा, ऐसे बेड बना दो और बेड बना के इसको ढक दो। किससे ढकना? कोई भी फसल अवशेष यानी जो भी निकलता है, गन्ने की पत्ती, धान का पुआल, गेहूं का भूसा, सोयाबीन का कुछ का भी निकलता हो, मक्के का डंठल, इनसे ढक दो। और अच्छा हो ये जो भी आपका फसल अवशेष निकल रहा है, गन्ने की पत्ती और पुआल और जो है गन्ने का डंठल, उसको जो है अमृत जल से या सजीव जल से, सजीव जल यानी गोबर, गोमूत्र, गुड़, छाछ का घोल, बरगद के पीपल के नीचे की मिट्टी का घोल सजीव जल में डुबा दो, है ना, कि 200 लीटर पानी में 10 किलो गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 10 लीटर गोमूत्र ना रहा तो 2 लीटर गोमूत्र में भी काम हो जाता है, 1 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ और 150 ग्राम बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, घोल बनाओ, 3-4 दिन घोल को रखो, उसके बाद फसल अवशेष को उसमें डुबा दो, और डुबाने 6-7 दिन डुबा के रखो, फिर निकाल के इनके ऊपर बिछा दो, यहाँ 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 इनके ऊपर बिछा दो, और ये बिछा दोगे, ये पूरा ऐसा बिछा दो, तो बिछा दोगे तो ये नीचे का जो कार्बन है वो तो फिक्स हो ही गया, ये ऊपर का कार्बन भी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाएगा, क्योंकि ये गीला रहेगा और जीवाणु रहेंगे तो जीवाणु कार्बन को अंदर भेजेंगे, इस तरह से जो है हमारी मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा और ये जीवाणु नीचे जाएंगे तो ये फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब देंगे, क्योंकि फसलों से इसमें सब कुछ होता है, पत्ती यानी क्या, फास्फोरस, पोटास, पत्तियों में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो इस तरह से हम जो है अमृत जल में, सजीव जल में, जीवाणु जल में भी आप जो है इनको डुबा करके 6-7 दिन रख के एक बार बेड में बिछा दो, एक बार बस, उसके बाद तो बस आप फसल लगाते रहो और सिंचाई करते रहो। 6 माह तक जो है बेड को 6 माह तक गीला रखना है, 6 माह गीला कर रख दिया आपने बेड को 6 माह तक, तो आपके खेत में 2% से ज्यादा कार्बन हो जाएगा, तो गारंटेड। मेरे कई किसानों के यहाँ 2%, 2.5%, एक किसान के यहाँ तो 6% कार्बन हो गया, 6%, अमेरिका से उन्होंने जांच कराया, 6% कार्बन, वो खुद ही चौंक गए, इतना कार्बन तो होता नहीं जो है, कहीं होता नहीं है, इतना कार्बन कैसे हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारी खेती में कार्बन की मात्रा मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आजी, आजी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से 6% कार्बन, आज के वैज्ञानिक से भी पूछ लो कि भाई अगर 2% कार्बन हो गया तो साइंटिस्ट की तो बाछे खिल जाएगी, बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, कार्बन हो गया, इसलिए पहले कार्बन फार्मिंग करो। आज अब दुनिया में खेती का नारा हो गया कार्बन फार्मिंग, कार्बन बढ़ाओ, और कार्बन फार्मिंग जुताई करते रहेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है, वो तो जुताई कर रहे हो, कार्बन घटाओ। तो इस तरह एक बार स्थायी बेड बनाओ भूमि उपचार करने के बाद, और जिंदगी भर इस बेड में फसल लेना है, इवन आलू भी ले लोगे इसमें। तो मेरे से प्रश्न करते भी आलू कैसे लेंगे, तो जमीन में कुछ नहीं करना, बेड में आलू रख दो, बस एक एक अंडे जैसे आलू रख दो, जिग जैग ऐसे रखते जाओ, आलू रखते जाओ ऐसा, 3 लेयर आलू की रख दो ऐसे, और इसको जो है कोई भी जो है गन्ने के धान के पुआल से मोटा ढक दो, इतना मोटा 4 इंच, और इसको ऊपर से जो है ड्रिप लगा दो, पानी देते रहो, ड्रिप नहीं है तो नाली में भर दो पानी से, बापसा बनेगा, बापसा अंदर निकलेगा, धान के आलू के जो फिंगर्स है ना जहां आलू पड़ता है वो धान के जो है अंदर घुस जाएंगे और उनमें सब इतने बड़े बड़े आलू पड़ेंगे,
केवल जो है धान के पुआल को हटाओ और आलू बीन लो, जितना आलू जमीन के अंदर गड़ के मिलता है उससे दो गुना आलू इससे पैदा होता है बिना जमीन को जोते। मूंगफली भी होता है, आप मूंगफली के दाने रख दो जहां तहां, बस ऐसे रख दो जहां तहां, छोटे छोटे दाने एक 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 रख दो और इनके ऊपर ये नाली की थोड़ी मिट्टी डाल दो, पहले इस पर पुआल डाल दो हल्का सा कोई भी फसल अवशेष और नाली की मिट्टी डाल दो खोद के, खूब जो है मूंगफली होता है। ऐसे मूंगफली को पकड़ोगे ना तो इतना बड़ा गुच्छा निकलेगा आपके मूंगफली के जो है दानों का, कुछ जरूरत नहीं जोताई की। धान लगा लो बेड के ऊपर, अभी हमने बेड जो है सीडर बनाया है कि बेड सीडर में क्या है वो जो है ऐसे जो है हमारे वो बेड सीडर ये समझ जाइए कि ऐसे ढोलक जैसे है, उनमें बीच बीच में छेद और चोंच बने हैं, उसमें डाल दो और उसको खींचो, 10-10 इंच में वो जो है दाना ऐसे गिराते चला जाता है 10-10 इंच में बेड के ऊपर। जैसे गेहूं की फसल है वैसी धान की फसल, उसको वापसा चाहिए, कीचड़ नहीं चाहिए धान को। ये बहुत बड़ी जो है दिमाग में बैठ रख के कीचड़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बिना कीचड़ के, और बेड के ऊपर धान ले लो 35-40 क्विंटल धान आएगा। मेरे गुरुजी ने 250 कण से निकाले थे, 250 कण से, मैंने 110 कण से निकाले हैं। कण से यानी टिलर्स, बेड के ऊपर टिलर्स, इतने कभी नहीं आते ये जो भयंकर कीचड़ मचाते हैं। पौधा लगा तो उसमें तो 10-12, 4-5 कण से आते हैं, हम तो 100-150 कण से लेते बेड पे, और जबरदस्त प्रोडक्शन होगा उसमें भी कोई जुताई की जरूरत है, बिना जुताई की हर फसल ले लेंगे। और इसमें 56 भोग वाटिका पौधे लगा दो, कुछ गड्ढे अड्ढे करने की जी मिट्टी में पूरा कार्बन ही कार्बन, क्या गड्ढा करना, थोड़ा सा बस जो है खुरपी से इतना सा जो है जितना बड़ा पौध का वो आता है ना पैकेट, उतना ही जो है खुरपी से मिट्टी खींचो और वो पैकेट का मिट्टी हल्का झड़ा के, क्योंकि खराब मिट्टी होता है वो तो, है ना, और उसको जो है वहां रख दो, वापस कीचड़ मचा दो, पौधे को खड़ा रख दो बस। अब कुछ भी कर लो, आम अमरूद केला जामुन संतरा लगा लो, कुछ भी बांस लगा लो आप तो, कुछ भी लगा लो, बस कुछ गड्ढा करने की जरूरत नहीं, लगा दो दूर 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 ऐसे लगा दो जितना रखना हाई डेंसिटी। मैं तो अमूमन हाई डेंसिटी में करवा रहा हूँ अभी, आम अमरूद सब 4-4 फुट में लगवा रहा हूँ, 6-6 फुट में आम लगवा रहा हूँ, हाई डेंसिटी में खूब आम फलेगा। ये सब शुरू हो चुका है भारत में, क्योंकि अभी क्या पिछले 2 साल के प्रयास में बहुत किसानों का कार्बन बढ़ गया है, तो ये सब कर रहे हैं, उन सब किसानों की सक्सेस स्टोरी भी दूंगा आपको मैं। इस तरह से अभी जो है हमको ऊर्जा जल बनाना है। ये अभी क्या है मिट्टी सब जगह की निगेटिव है, निगेटिव क्यों है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में भयंकर ज्यादा फंगस वायरस है, खूब ज्यादा फंगस वायरस है, व्हाइट ग्रफ है, ये कच्चा गोबर डालता है किसान, जिसको हमारे बोलते घूरा, कच्चा गोबर ये डालता है। कच्चे गोबर में क्या होता है व्हाइट ग्रब होता है, यहाँ व्हाइट ग्रब है, सफेद सफेद व्हाइट ग्रब होता है, ये जड़ को कुतरता है, ये व्हाइट ग्रब। फिर क्या होता है इसमें रस से कीट होते हैं, हाँ खरपतवार का बीज होता है, फंगस होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा, पीथियम फाइटोप्थोरा राइजोक्टोनिया, जड़ को काला करना लाल करना ये फंगस होता है। तो किसान फंगस कचरे का बीज व्हाइट ग्रब इन सबको ले जा खेत में डाल दिया, उसको खाने दीमक आता है, दीमक को खाने छिपकली और सांप आते हैं, छिपकली इनको खाने बिच्छू केकड़े आते हैं, बिच्छू केकड़े बिल बनाते हैं 10 फुट नीचे से ऊपर आके बिल बनाएंगे, एक छिपकली को मार के ले जाएंगे और खाएंगे और छुप जाएंगे, बिल हो जाएगा खाली, है ना, अपने ऊपर मिट्टी चढ़ा लेते बिल में, फिर चल जो है पलते है चूहे, चूहों को खाने आता है सांप, वो गोबर गीला हो गया तो उसको खाने लाल मुंडी का केचुआ आता है, जिसको देख के आजकल किसान बड़ा खुश होता है, नहीं वो हमारे लिए निगेटिव केचुआ है, वो क्या है आप गोबर खाते खाते मिट्टी खा लेता है तो वो पौधे के ऊपर चढ़ के चढ़ाता है, जिस पौधे के ऊपर मिट्टी चढ़ जाता है केचुआ का उसमें कंसे आने बंद हो जाते, उसकी मोटाई बंद हो जाती है, तो ये समस्या है लाल मुंडी का केचुआ। और इस केचुए को खाने जो है मेंढक आता है, सूअर भी आता है, अगर सूअर को पता लग गया किसी किसान के यहाँ ये केचुआ है लाल मुंडी का, सूअर के लिए तो ये लाल मुंडी का केचुआ मैगी है मैगी, इसको आधुनिक विज्ञान एपीजेइक केचुआ बोलता है, एपीजेइक, सूअर के लिए ये केचुआ मैगी है, अगर एक भी सूअर ने केचुआ खा लिया अगले दिन पूरा झुंड आएगा पूरा सूअरों का, पूरे पेड़ उखाड़ देंगे। तो ये दुर्गंध का गोबर है तो केचुआ दुर्गंध का आएगा, उसको खाने दुर्गंध वाला जीव सूअर आएगा, है ना, मेंढक आएगा, मेंढक को खाने सांप आएगा, तो इस तरह से ऊर्जा चक्र निगेटिव चलता है।
तो ये निगेटिव ऊर्जा चक्री भारत की भुखमरी का कारण था। ये रासायनिक खेती से ज्यादा जो है नुकसानदायक साबित हुआ भारत के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि जहां फंगस वायरस रहेगा, रस चूसा कीट रहेंगे, वहां पर कहां से खेती होगी भाई, चूहा होगा कहां से खेती होगी। तो ये खेती को, इस निगेटिव खेती को और रासायनिक खेती के कारण से भी निगेटिव हुआ हमारी खेती, तो इस निगेटिव खेती को ठीक करने के लिए ऊर्जा जल आवश्यक है। और ऊर्जा जल बनता है किससे, अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी के पानी से। 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिट जो है 100 ग्राम फिटकरी, सिंचाई के लिए स्प्रे के लिए 20 ग्राम लगता है बस। तो अभी क्या है, ये दोनों को मिलाओ, 200 लीटर पानी में रखो, एक दिन रखो, उसके बाद सिंचाई के साथ दे दो या स्प्रे कर दो, मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत ही यानी बहुत बड़ी समस्या का बहुत सरल समाधान है ऊर्जा जल। ये टीसीबीटी कृषि का आधार है, ठीक है, सक्सेस। अभी हमारे टीसीबीटी के जितने किसान हैं सब सक्सेस हो रहे हैं। अनसक्सेस वही हो रहा है जिसके यहाँ जर्सी गाय है और जर्सी गाय के गोबर से या घी से हवन कर रहा है, वही अनसक्सेस होगा। बाकी तो सब जो है बिल्कुल सक्सेस हो रहे हैं। स्प्रे के लिए बस ध्यान रखना, फिटकरी 20 ग्राम से ज्यादा ना हो किसी भी कंडीशन में, 200 लीटर पानी में 20 ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम भस्म, 20 ग्राम फिटकरी। और ये स्प्रे भी कब करना है, स्प्रे तब मान्य है जब खेत में बहुत ज्यादा फंगस या बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट का स्पॉट बना हो, या बीएलबी उसको बोलते हैं, बी बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट। तो बीएलबी की कॉलोनी दिख रही हो, पत्ता, ये पत्ता होता है ना ऐसा, और पत्ते में जहां तहां ऐसे धब्बे हो, है ना, अल्टरनेरिया हो, पत्ता पूरा सूख रहा हो, उसी स्थिति में आपको इसका स्प्रे करना है, अन्यथा जमीन पे ही देने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से सिंचाई के साथ ही आप दोनों दे दो, उसको बोलते ऊर्जा जल। ये बिल्कुल जो है खेती ठीक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ताकत से भर जाएगी, और जो निगेटिव फंगस है वो मर भी जाएंगे फिटकरी के काम से। फिटकरी क्या होता है, एक और काम करता है, सरफेस को तोड़ता है पानी के, तो अग्निहोत्र भस्म को अंदर अंदर तक लेके जाता है, एक एक कोर तक लेके जाता है। इसी वजह से मैंने फिटकरी मिलाया है इसमें पहला। दूसरा, फिटकरी जो अंदर अंदर तक फंगस पड़ा है उनको किल करता है। तीसरा काम, फिटकरी क्या करता है कि मिट्टी की जो है पीएच को ठीक करने का काम करता है, पोर पोर को तोड़ने का काम करता है। इस तरह फिटकरी के दसों लाभ हैं, ये हमने खुद करके पिछले देखे हैं। प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाने के साथ ही हमने इसके कई तरह के प्रयोग किए, तब जाके मात्रा भी तय किए। तो तय मात्रा पर उपयोग करें और इसका लाभ लें। ये ऊर्जा जल को पी भी सकता है मनुष्य, पीगा, पिछले बार शायद मैंने बना के बताया था कि पीता है तो कैच गैस कब जैसरिटी, ठीक है, नींद ना आना, जी मचलना, सब ठीक हो जाता है, भूख लगने लगती है, ठीक है। ये ऊर्जा जल बहुत आवश्यक है। फिर है जीवाणु जल, नहीं, ये ऊर्जा जल जो है आपको अभी तो शुरू में जब भूमि उपचार करेंगे तो 1,500 लीटर हर हफ्ते दो, हर हफ्ते दे दो, हर 15 दिन में दो। लेकिन जब फसल लेते रहेंगे तो हर अमावस्या में 100-200 लीटर चला देना चाहिए। अच्छा, हाँ, अगले 2 साल तक, 2 साल बाद तो कुछ नहीं करना, बोना और फसल ही काटना है। फिर ये ना ऊर्जा जल का काम है ना जीवाणु जल का। भूमि उपचार करते समय थोड़ा हर हफ्ते हर 15 दिन में दे दो, और फिर जो है 4-6 महीने बाद हर अमावस्या में बस 200-200 लीटर दो, पर्याप्त है। अब 2 साल दो, उसके बाद तो कुछ नहीं करना, ऊर्जा जल का काम भी खत्म, मिट्टी अच्छी हो गई, अब जरूरत नहीं। अब इसके अलावा जो है जीवाणु जल, जीवाणु जल के लिए जो है अभी हमने, मैं खुद जो है लैब का काम मैंने सीखा, मेरे अपने घर में लैब है, ठीक है। मैं लॉकडाउन के पहले लैब में ही रह के सारा काम सीखा, लॉकडाउन में अनफॉर्चुनेटली अपने गांव में आया तो भोपाल से सारा लैब का सामान घर बुलाया, और सारा कैसा जो है आइसोलेट करना, मेरे बालाघाट के जंगलों में एक पेड़ है सरई का जो 40-50 फुट होता है, उसके नीचे माइकोराइजा की इतनी अच्छी कॉलोनी मिली, कुछ पूछो मत। हमारे यहाँ उसको पटपोरा बोलते हैं, और हमारे आदिवासी बंधु हम सब उसको खाते हैं हर साल पटपोरा, उसमें हमें माइकोराइजा, और भी बहुत से बालाघाट में जो है मैग्नीज की खदान है, कॉपर की खदान है, बॉक्साइट है, तो वहां हमें बहुत सारे, चूंकि मिनरल्स थे तो वहां जीवाणु भी मिले, उन सबको आइसोलेट करके
और आइसोलेट करके ग्रो करके और लाइफोलाइज, लाइफोलाइज यानी माइनस 109 डिग्री टेम्परेचर कम करके और उनको हमने पाउडर बना दिया। जैसे उस मशरूम होता है ना, मशरूम को आप ठंडे जगह में रख के धीरे 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 उसको और जो है पाउडर बना लोगे तो मशरूम का पूरा जो है मशरूम जो है पूरा पाउडर बन जाएगा, उसको अगर बारिश में जहां फेंकोगे सब उग जाएगा। वैसे लाइफोलाइज करके हमने बना कि कैप्सूल कल्चर बनाया है और ये एफपीओ ये काम कर रही है, हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है ये हमारी काम कर रही है, ये कंपनी इसको बनाती है ना, और बना करके कैप्सूल जो है, क्योंकि कैप्सूल कल्चर टेक्निक दुनिया की सबसे बैक्टीरिया के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी और सबसे सस्ती टेक्निक है। मात्र ये 2600 रुपए में 10,000 लीटर घोल बना लेता है किसान, 10,000 लीटर 26 रुपए लीटर में बना, 26 पैसे लीटर में बना लेता है, जबकि यही बाजार में जो है ना 1,000-1,500 रुपए लीटर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया है इसमें। तो ये एक मदर कल्चर जो है जीवाणु जल आप बना सकते हो, पहले मदर कल्चर बनाओ फिर जीवाणु जल बनाओ, इसका पूरा विधि मैंने दिया हुआ है। जो जीवाणु जल नहीं बना सकता तो सजीव जल भी खेत में डाले, इसमें भी जीवाणु है 10-12 तरह के, पंचगव्य डाले इसमें भी जो है 30-35 तरह के जीवाणु हैं, और इसके अलावा अपने जो मैं चावल और गुड़ से बनाता हूँ अन्न द्रव्य रसायन, इसमें भी बहुत सारे जीवाणु हैं, हमने इससे भी जो है बहुत से जीवाणु आइसोलेट किए हैं। फूलों में होता है जीवाणु, पराग में होते हैं जीवाणु, पत्तों में भी होते हैं, दीमक के टीले में होते बहुत अच्छे जीवाणु, तो ये सारे जीवाणु जो है इन सब में हैं। अगर जीवाणु जल नहीं डालना है तो किसान सजीव जल अपने घर में गोबर गोमूत्र गुड़ छाछ और मिट्टी का घोल पंचगव्य बना ले, अन्य द्रव्य, ये सब सरल है, चारों में से कोई एक बना के खेत में डाले, मिट्टी में जीवाणु बढ़ जाएंगे। और कितने बढ़ेंगे, एक एक ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीवाणु, 2 साल में तो मिट्टी मक्खन हो जाती है, सैकड़ों किसानों की मिट्टी हमारी मक्खन हो चुकी है। जैव रसायन डाले, ये जैव रसायन में जीवाणु है, इसमें भी जीवाणु है, और इसके अलावा कौन कौन से जीवाणु है, अंडज है जिसकी पिछले बार मैं बात कर रहा था, जो जीवन की उत्पत्ति का कारक है, टिश्यूज को जीवन देता है। फिर द्विदज है, द्विदज यानी अच्छा वाला फंगस जो है दो पत्ती, मतलब दो पत्ती निकालता है, फिर 4 पत्ती 8, 16, 32, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करने वाला जीवाणु भी इसके अंदर है। इसके अलावा अगर बेल का फल होगा तो उसमें पोटास का जीवाणु भी होगा, ठीक है, मैग्नीज का जीवाणु, कैल्शियम का जीवाणु होगा। तो अलग अलग फलों से बनता है जैव रसायन, मैंने पिछले बार बताया था जैव रसायन कैसे बनता है, अनुपात है 1:3:10, 1 किलो गुड़, 3 किलो फल या जो है पत्ती भी कुछ चलता है एलोवेरा जैसा, और 10 लीटर पानी, ये रेशियो है, 90 दिन एयर टाइट बंद करके रख दो 90 दिन, ठीक है। ये अलग अलग तरह के जीवाणु हम बना सकते, खट्टे मीठे कड़वे अलग अलग बना सकते, उपयोग इनका जमीन में हर सिंचाई में डालो 50-60 लीटर 30-40 लीटर भी डाल दो, फसल ये बढ़ जाती है। स्प्रे करो 1% का, फसलों में बहुत अच्छा होता है, तो ये जैव रसायन बना लीजिए। फिर इसके अलावा भस्म रसायन, अभी ऊपर की मिट्टी में जिंक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, जिंक तो अमूमन भारत में 95% जो है पूरे भारत भर में जिंक खत्म हो गया, है ही नहीं, क्योंकि जिंक भारी धातु होता है, नीचे लीच हो जाता है, ऊपरी सतह पर है ही नहीं, मतलब पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, जिंक खत्म हो गया ऊपरी सतह से। जब जिंक ही नहीं है तो जिंक का जीवाणु भी वहां रह नहीं सकता, और जिंक नहीं है तो भोजन में जिंक आएगा नहीं, हम सब में कमी हुई और उसी वजह से कोरोना हो रहा है, और उसी वजह से लंपी वायरस हो रही है गाय को, क्यों, क्योंकि अब सूक्ष्म तत्व नहीं है, जो हम खाते हुई तो गाय खाती है, तो हमें जो बीमारी होगी वो गाय को भी होनी है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये जिंक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम बाजार में सल्फेट के रूप से मिलते हैं, जैसे आयरन फेरस सल्फेट मिलेगा, लेकिन ये नहीं डालना है, फेरस सल्फेट निगेटिव धातु है, निगेटिव है, इसको गर्म तवे में रखोगे तो दुर्गंध आएगा, ठीक है, हाथ में रखोगे तो ताकत घट जाएगी, तो निगेटिव, इसलिए इस तरह की कोई भी चीज हम तो बिल्कुल नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना इस तरह की चीजें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसके जगह फिर हमने यही एफपीओ के थ्रू हमने उपलब्ध करवाया मैग्नीशियम मिट्टी ब्रांड नेम है,
उसमें मैग्नीशियम है 90-97%, आयरन है 87%, गंधक है जो है 90%, मैग्नीज है 95%, कॉपर है जो है 92%, जिंक है जो है 87%। इसमें केवल आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड है ये सब। इसमें ऑक्सीजन और मिनरल्स है। ब्रांड नेम है सोल का मिट्टी, इसलिए मिट्टी मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से ये जब 200-300 ग्राम ये लेना है ना, हर मिल जाता है पंसारी के यहाँ, समुद्री नमक 8-10 किलो बाजार से मिल जाता, नारियल का ऊपर का और नारियल का खोल, ये थोड़ा गलत लिख गया, खोल है, नारियल खोल जो है वो चाहिए 0.5 किलो से 1 किलो। तो सब कुचल लो, सुहागा भी बाजार में मिल जाता है, कैल्शियम होता है इसमें, कुचल लो, मटके में डालो और मटके को जो है जमीन में गड़ा के पकाओ, जैसे ईट भट्टी बनाते ना वैसे, उसके मटके के चारों तरफ कंडे रख के पकाओ, 48 घंटे में बढ़िया पक जाता है। इसको डालना है, स्प्रे करना है, तो मात्र जो है 200 ग्राम लगेगा, 50 एकड़ में होगा इतना मटेरियल, 50 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो, ठीक है। हाँ, 50 पैसे पर लीटर का खर्चा है इसका, बाजार में 2,000 रुपये लीटर में मिलेगा 50 पैसे, ठीक है। जमीन में डालोगे 5 एकड़ में होगा, स्प्रे करोगे 50 एकड़ में, इसलिए कुछ नहीं। ये भी जो है ये एफपीओ के थ्रू 2500-2600 रुपए में हमने रखा है। अब इतने कम पैसे से 50 एकड़ में स्प्रे, किसान को तो बहुत ही सस्ता और सुलभ, और ये मिलता नहीं बाजार में, थोक में ही मिलते हैं, इंडस्ट्रियल चीजें है ना, थोक में मिलती, इसलिए ये जो है ऐप के थ्रू या हम जो है एफपीओ, अलग अलग एफपीओ को ये मैं बनवा रहा हूँ, भाई ये बनाओ लोगों को दो, रखो अपने पास लोगों को दो। तो इस तरह ये भी हम इसकी सरलता से पूर्ति करने में फार्मूला निकाले हैं। सडरस इसमें 6 तरह के रस होते हैं, जो है 6 लीटर छाछ में मात्र 10 ग्राम आंवला पाउडर मिलाओ, 4-6 घंटे में सडरस बन जाएगा। सडरस यानी खट्टा मीठा नमक कटु तिक्त कसाय। जब पंच महाभूत भूमि तत्व तो अवस्था में होंगे, रस में होंगे, तो 6 रस बनेगा, ठीक है। अकेला 5 रस आंवले में, तिक्त नहीं है, छाछ में 5 रस, कटु नहीं है, दोनों मिल जाएगा तो सडरस बन जाता है। इसको स्प्रे करो, जबरदस्त टेस्ट हो जाएगा। फलों में तो स्प्रे कर दो, ऐसा टेस्ट आता है। गेहूं में स्प्रे कर दो, अलग से गेहूं में जो है टेस्ट आए, किसी में भी कर लो, मूंग में कर दो, मटर में, मसूर में, जबरदस्त टेस्ट बढ़ाता है सडरस। बहुत शानदार फार्मूला और बहुत सरल फार्मूला है टीसीपीटी का। मैं जिन जिन किसानों करवा रहा हूँ सब आह वाह करते हैं। फिर हमने जो 3 चीजें बनाई, क्या क्या बनाई, भस्म रसायन बनाया मटके में। हाँ जी, प्रश्न है यहाँ पर, नहीं नहीं, एक ही लेनी, एक ही मटके में सब भरना है, एक ही मटके के अंदर, यानी कि बड़ा वाला मटका चाहिए। हाँ हाँ, जो 10-12 किलो जिसमें आ जाए, सबको कूट पीस के भर दो, उसको एयरटाइट बंद कर दो गड्ढे में, उसको उतने उससे थोड़े बड़े आकार का गड्ढा खोदो, वहां कंडे जला दो, फिर वो मटके को रख दो, चारों तरफ कंडे जला दो, भूसा रख दो, पकने दो उसको 2 दिन तक। जैसे हम खाना पका के खाते हैं ना, वैसे हम बैक्टीरिया को पका के दे रहे हैं सारा न्यूट्रिशन। बहुत शानदार फार्मूला है, बहुत, मतलब इस फार्मूले ने रासायनिक किस खेती से चक्रव्यूह से निकाल लिया। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के नाम पे बाजार में बहुत ज्यादा जो है पैसे लगते हैं, बहुत, इतना सारा खरीदने में तो किसान को 200,000 रुपए लगेगा, जो मात्र वो जो है 150-200 रुपए एकड़ में खर्चे में बना ले रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा अगला जो है अणुजल, अणुजल में हमने जो भस्म रसायन बनाया, वो पहले तो पानी लो 100 लीटर, ठीक है, जीवाणु जल ले लो जो है 10 लीटर, स्प्रे करना है तो, और जमीन में डालना है तो 100 लीटर, ये 2 अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फसल में छिड़काव के लिए ये रेशियो है और जमीन में डालने के लिए ये रेशियो। तो भस्म रसायन, जैव रसायन और सडरस, ये 3 मुख्य फार्मूले हैं। इनको 100 या 200 लीटर पानी में मिलाओ, जैसे स्प्रे करना है तो 200 ग्राम भस्म रसायन, 3 लीटर सडरस या छाछ, 1 लीटर जैव रसायन, 10 लीटर जीवाणु जल, गुड़ ले लो गुड़, ठीक है, हाँ गुड़ लेना है, ये जो है 1 किलो। और सूरपाल भी एक प्रोडक्ट है, अगर जरूरत है तो डालो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये अभी उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे बच्चे को, बच्चा पैदा होता है तो दूध चाहिए होता है ना, ऐसा बना बुनाया ह्यूमस है, ये एक प्रोडक्ट है, ये बना बुनाया देते हैं, इसको बनाने में टेक्निकली काम है, इसलिए इसको भी हमने 100 ग्राम इसमें रखा है
और बहुत कोई भी जो है 35-40 रुपए 40-42 रुपए में आ जाता होगा एक एकड़ का, बहुत सस्ता, क्योंकि हम बना रहे हैं ना तो बहुत सस्ता ये उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये जो है ये सब चीजों को मिला लो, ठीक है, और गुड़ मिला के इसको 5-6 दिन रखो, स्प्रे कर दो, फसल हरा कच्च हो जाता है एकदम से, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन खनिज भी है, सड़रस यानी उसमें 6 रस भी हैं, रस भी है उसमें, ये खनिज है, ठीक है, फिर रस भी है, जैव रसायन यानी जो है प्रोबायोटिक प्रोटीन है इसमें, है ना, एंजाइम्स जिसको बोलते हैं, एंजाइम्स है, प्रोबायोटिक प्रोटीन है, अल्कलाइन्स है, एसिड्स है, अल्कोहल है, सब कुछ है इसके अंदर, अंडाणु है जो है, और अंडज और द्विदज है, जीवाणु भी है इसके अंदर, और इसके अंदर ग्लूकोज भी है, मैंने बताना भूल गया था ग्लूकोज का, ये जो है जैव रसायन में ग्लूकोज है, बहुत शानदार, यानी केवल जीवाणु नहीं है, ग्लूकोज भी है इसके अंदर, है ना, अंडज भी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, सबको बनाना है भैया, इसके बगैर खेती नहीं हो सकती। अब जो है और जो है ये सब जो है हमने एक में मिला दिया, इन्हें जैव रसायन तो हो गया, खनिज भी हो गया, 6 रस भी हो गया, अब जमीन में दोगे ना तो उस रात तो जो है हमारे जीवाणु जश्न मनाते होंगे, अब फसल में स्प्रे करोगे ना तो उस दिन पौधा नाचता होगा, दिखता है तीसरे दिन में हरा कच्च। एक किसान है छत्तीसगढ़ का, वो जो है 2 करोड़ रुपए सालाना उसका खर्चा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, 150 एकड़ में सब्जी करता है, हमारे लेखराम किसान जी के यहाँ गए वो 350 एकड़ में, लेखराम जी मात्र 12 लाख रुपए पर साल का खर्चा करते, 350 एकड़ में 12 लाख, तो ये अगबक आ गए, मेरी खेती आधी है 150 एकड़ में, 2 करोड़ करता हूँ, और लेखराम कैसे 12 लाख में इतनी खेती कर रहा है, खुद गए देखने, रायपुर से गए कार चला के जयपुर कोटपुतली, देखे तो अगबक आ गए, बोले इतनी जबरदस्त फसल, तो हमारे किसी के, हम तो जितना मिर्ची आधा एकड़ में निकालते उतना तो हम 2 एकड़ में नहीं निकालते, वहां से आके ये सब ऊर्जा जल अणुजल बनाना शुरू किए, 8 दिन में उनकी जो है पूरी फसल हरी कच्च, पत्तों की चौड़ाई दुगनी मात्र 8 दिन में, वो सक्सेस स्टोरी बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप देखिएगा। तो अणुजल इतना कारगर है, ये जरूर बनाए। फिर अन्य द्रव्य रसायन मैंने बताया, ये व्हाइट रूट्स को बढ़ाने के लिए सफेद जड़ का होना बहुत जरूरी है, धान में सफेद जड़ रहती नहीं, 99% खत्म हो जाती, पूरी लाल जड़ रहती, धान के किसान जानते हैं, 35 दिन बाद पूरी जड़ लाल पड़ जाती है, और 50-60 दिन बाद तो काली पड़ जाती जड़, तो सड़ी जड़ में भी धान जो है 12-15 क्विंटल देता है। अन्य द्रव्य रसायन डाल दे वो बिल्कुल अच्छे गुच्छे में जड़ आते है क्या, 2 किलो चावल को पकाना है, जब पक जाए तब 500 ग्राम गुड़ मिला देना, बस मटके में भर देना है, मटका ढक्कन बंद कर दो एयर टाइट बढ़िया, है ना, मिट्टी से बंद करके किसी बरगद या पीपल के नीचे जमीन में गड़ा दो, किसी मीठेदार पेड़ बरगद पीपल आम अमरूद इसके नीचे जमीन में गड़ा दो, जहां ज्यादा छेड़छाड़ जुताई निंदाई नहीं होती, 7 दिन गड़ा के रखो, उसके बाद उसको निकालो, 5 लीटर पानी डाल के पेस्ट बना लो अच्छा, फिर उसको 200 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ फिर डालो, 6-7 दिन फिर रखो, 4 दिन में भी होता है 6-7 दिन रखो, रखने के बाद जमीन में चला दो, जैसे ही चलाओगे केले में तो तीसरे दिन इतने लंबे जड़ देखे, 3 दिन में इतना जो है 2 फुट जड़ बढ़ते हुए हमने देखा है, 15 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है टीसीबीटी। ये फार्मूला मैंने सीखा आदिवासियों से, हमारी आदिवासी परंपरा में क्या होता है कि रोपाई के बाद हम जो है ज्वार को पकाते हैं, उसमें गुड़ मिला के और हम बंदी में गड़ाते हैं, पहले मैं सोचता था क्या ये कुरूति करते हैं, लेकिन जब मैं खुद वैज्ञानिक बना, मतलब मैं खुद जब लैब का काम और बैक्टीरिया का फूड देखा, ये है उसको ऐसे गुड़ मिला के देते हैं, ये सुक्रोज फ्रुक्टोज ऐसे देते, ग्लूकोज ऐसे देते, तब ध्यान में आया वो परंपरा कितनी वैज्ञानिक थी। उसी आधार पर अन्न द्रव्य रसायन का फार्मूला हमने डेवलप किया है, और इसको जरूर करें किसान, खूब जो है जड़ बढ़ती, सरल भी है। छाछ द्रव्य रसायन में 6 लीटर छाछ में 500 ग्राम गुड़ मिला के एयरटाइट बंद करके 21 दिन रख दो, उसके अंदर ऊपर लाल 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 बढ़िया जो है एंटीऑक्सीडेंट आएगा, ये इतना बढ़िया है कि अभी जो है रासायनिक खेती में एक बीमारी आती मोजेक वायरस, और उसको फिर उसी के आगे हो जाता है कुकर्रा, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं,
ये आता है जो है ये मिर्च में आता है, पपीते में, इसका कोई इलाज नहीं पूरे भारत में, ना किसी यूनिवर्सिटी में है भारत के, ना किसी बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों के पास कोई इलाज नहीं है मोजेक वायरस का। यूनिवर्सिटी कहती बोना बंद कर दो, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सोयाबीन बोना बंद हो गया, ठीक है, कई जगह के पपीते उखाड़ के फेंक दिए, केले जो अनार खत्म कर रहे हैं, तो ये उसका इलाज है छाल द्रव्य रसायन। कितना सरल है, 6 लीटर छाछ में 500 ग्राम गुड़ डाल के 21 दिन एयरटाइट बंद करके रख दो, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर उसमें जो है 100 ml लौंग का तेल डालना, ठीक है। हाँ, अब लौंग का तेल डालोगे तो ये पानी में जो है ऊपर बूंद बन के गिर जाएगा, तो इसको क्या है, लौंग के तेल को एक विशेष प्रोसेस करके तैयार करता है अपना राय पियो, और रा फार्मर प्रोड्यूसर जो है कंपनी इसको तैयार करती है, त्रिशूल के नाम से है, इसलिए त्रिशूल डालना बहुत सस्ता है। जितने में लौंग का तेल आप 100 ml बाजार से खरीदोगे उससे पौने कम रेट में त्रिशूल के रूप में उपलब्ध है, उसी में लौंग का ही तेल है उसमें भी, लेकिन हम थोक में खरीदते हैं और उसको जो है प्रोसेस कर देते हैं, इसलिए वो सस्ता उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप त्रिशूल डालें, लौंग का तेल ना डालें, लौंग का तेल सब जो है बह जाएगा, काम नहीं आएगा। लौंग का तेल क्यों डालाना, क्योंकि लौंग का तेल गर्म होता है, वो छाछ को जो है अंदर माइट्रोकाइंड्रिया जो है स्टोमेटा को खोल के माइट्रोकाइंड्रिया तक लेके जाता है, जहां पर वो वायरस सक्रिय रहता है और वहां जाके मारता है। तो ये लौंग का तेल और ये जो है छाछ का अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुत, और ये जो कहीं नहीं मिलता जो परिणाम, ना कोई यूनिवर्सिटी दे सकी ना कंपनी, वो जो है हम उसको जो है हल करने में सक्षम हुए और हमारे किसानों का वायरस नहीं आता। इसलिए आराम से पपीता लगाते हैं और जो है सोयाबीन भी अभी लगा रहे हैं। पंचगव्य, ये भी एक फार्मूला है, आप यूट्यूब में देखे बहुत से फार्मूला के, नटराजन जी का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हुमनी गंध रसायन, भाइट ग्रह पूरे खेत में हो गया है आजकल, हर जो है महाराष्ट्र का गन्ना, गुजरात की मूंगफली बर्बाद किया भाइट ग्रह, ये जून जुलाई में मक्खी बन के निकलती है, तब हम इन चीजों का पानी, एरंड का बीज, 2 किलो ईस्ट यानी फफून जो खमीर उड़ता है जलेबी बनाने के लिए, बेसन और छाछ, ये सब चीजों को घोल करके मटके में बंद करके और हम रख देते हैं, ठीक है, मटके में बंद करके रख देते हैं जून में, और इसमें भर के ऐसा पानी सा और मिला के भर के रख दो। ये जो मक्खी है ये अंडे देने निकलेगी और देकर इसके अंदर आएगी, क्योंकि बड़ी अच्छी खुशबू आएगी भीनी, तो इसके अंदर आएगी अंडे देने और डूब के मर जाएगी। एक एक दिन में इतना इतना ये मक्खी निकलती, 8-10 मटके रख दो, 2 साल में ये व्हाइट ग्रब का सफाया। ये बहुत बड़ी समस्या पूरे भारत के लिए, राजस्थान के पेड़ सुखा दिए, खेजड़ी के पेड़ 100 साल पुराने इसने, तो ये बड़ी समस्या है। इसका हमने सरल फार्मूला बनाया है, बहुत सरल फार्मूला, हुमनी गंध रसायन, ये भी इसकी कोई जो है इलाज नहीं है किसी कंपनी यूनिवर्सिटी के पास। गोवर्धन सजीव खाद, ये जो है गोबर, जो कच्चा गोबर है उसके जगह गोवर्धन जो है सजीव खाद बनाओ, इसके अंदर गोबर रहता है, 30 किलो गुड़ रहता है, चावल रहता है, बरगद पीपल के नीचे मिट्टी, गौमूत्र, छाछ, सबको मिला लो, ऐसा पिट जैसा बना लो गोवर्धन जैसा, प्रार्थना करो, हे गोवर्धन मैंने आपको मेरे खेत में अणु और जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए बनाया है, कृपया आप अपनी शक्तियां प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें, ऐसी प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, ये मैंने कई बार ट्रेनिंग में सिद्ध करके बताया है कि आप हवा से कैसे बात कर सकते हो, पानी से कैसे बात कर सकते हो, मिट्टी से कैसे बात कर सकते हो, और इसमें परिवर्तन आता है। ये ऊर्जा विज्ञान में हाथ वाला प्रयोग से, माला वाले प्रयोग से मैंने सैकड़ों जगह सिद्ध किया है, तो इसलिए प्रार्थना भी करना जरूरी है। आगे बढ़ते गोवर्धन खनिज खाद, जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको हमने निकाला था DAP के सब्स्टिट्यूट के रूप में और माइक्रोन्यूट्रिएंट के सब्स्टिट्यूट के रूप में, और इसमें सभी तरह के अणु हैं, लगभग 87 तरह के अणु हैं और 102 तरह के जीवाणु हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये हमने फर्टिलाइजर के तौर पर इसके अंदर जो है, चूंकि ये सब रहता है ना, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, शोधित नमक एक रहता है, भस्म रसायन है, एक व्हाइट मिनरल्स है, ये जो ये भी भारत में एक अच्छा खनिज होता है, जैव रसायन है, अन्न द्रव्य, ये सारे चीज को हमने मिला दिया। ये उन किसानों के लिए बनाया जो ये फार्मूले नहीं बना रहे, तो भैया ये और ये सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो भैया हम कैसे दें, क्योंकि हमारे सारे फार्मूले तो लिक्विड में है, ड्रिप वाला तो बहुत अच्छे से दे देगा,
लेकिन बाकी किसान कैसे देंगे, तो उनके लिए बनाए कि हर अमावस्या पूर्णिमा 25-25 किलो फेंक दो बस। तो इस तरह की चीजों से ये बनता है। और इसका जो है अभी रिजल्ट आया कि इसने खरपतवार खत्म कर दिया। हमने इसको बनाया था खरपतवार आने से रोक देता है। जैसे कच्चे गोबर का गोबर डालोगे तो खरपतवार बढ़ते हैं, वैसे ये गोवर्धन खाद खरपतवार को घटाता है। प्रकृति और जो है कि महिमा है कि हम जो है, हम तो ये भी जीवाणु काम करते हैं, क्योंकि जीवाणु ही खरपतवार बढ़ाते हैं जो कीटाणु होते गोबर के। हमारे इसमें शायद ऐसे जीवाणु हैं जो उन खरपतवार के जीवाणु को किल करते होंगे, मारते होंगे, और फसल को बढ़ाने वाले जीवाणु, इसलिए फसल अच्छा होता है। हमारे कई किसानों के यहाँ 90-95% खरपतवार आना बंद हो गया। तो इस तरह से जो है हम पंचमहाभूत कृषि करेंगे, और ये पंचमहाभूत कृषि करके हम, मैं कुछ सफलता की कहानी बताता हूँ। हमारे लेखराम भाई हैं MSc जो है मॉलिक्यूलर वैज्ञानिक रहे हैं, जो बासमती के होते हैं ना, जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें मॉलिक्यूल्स उसके क्या क्या हैं, कैसे कंपोनेंट, वो जांचने वाले वैज्ञानिक हैं। और 30 लाख का पैकेज छोड़ के इन्होंने सोचा मैं खेती करूं। इनके पास 110 एकड़ खेती थी, खेती शुरू किए 2018 में। इनको 110 एकड़ की जैविक खेती में पहले साल 45 लाख रुपया लगा। पहले साल बाजार से कल्चर खरीदना, माइक्रोन्यूट्रिएंट खरीदना, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फंगीसाइड, 45 लाख। तब ये दिल्ली की एक ट्रेनिंग में आए थे मेरी, और वहां मैंने 2 घंटे बस चर्चा किया था, 2 घंटे का। पर ये चूंकि वैज्ञानिक समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जाके ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल, जैव रसायन, भस्म रसायन सब बनाए, पौधों को दिए, नींबू के पौधों को दिए। 1 साल में इनके पौधे जो है 6-7 फुट के हो गए थे, 3 साल में इनके पौधे 15 फुट के हो गए, और 3 साल पिछले साल इन्होंने मात्र 22 एकड़ में, और दिल्ली NCR में इनका पूरा जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड खेती करते, प्रमाणित, वो भी USDA हमें यानी यूरोपियन मानक के सर्टिफाइड खेती करते 350 एकड़ में। इनका सारा नींबू जो है पिछले साल दिल्ली गया बिकने, और 98 लाख रुपए कैश आया था। पत्तियां अलग बेचते हैं, तो 22 एकड़ में 1 करोड़ रुपए केवल ये नींबू से कमाते हैं। 350 एकड़ में ये हर साल इनका सालाना टर्नओवर है 12 करोड़ रुपए, सालाना टर्नओवर खेती से। तो ये खेती के उद्योगपति हो गए, और ये सारा श्रेय ये जो है अपने पंचमहाभूत कृषि को देते हैं कि इनके कारण। नहीं तो इनका तो 45 लाख केवल 110 350 एकड़ में तो इनका 1.25 करोड़ का खर्चा होता आज के समय में। मात्र 12 लाख रुपए खर्चा करके और 12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये हमारे जीते जागते उदाहरण हैं। कई किसान इनके खेत में रोज जाते, 10-15 किसान। दो हमने इनके यहाँ बड़ा कार्यक्रम रखा, ले जाके दिखाया भी है, इनके यहाँ सब्जियों का समुद्र है, कोई बीमारी नहीं, 4 गुना ज्यादा फसल लेते, कुछ सब्जियों का 10 गुना ज्यादा। ये दूसरे किसान है हमारे सफल, ये पंकज मंडा जी हैं, ये BSc एग्रीकल्चर है, BSc। इन्होंने जो है 80 ग्राम प्रति एकड़ सरसों और 20 ग्राम प्रति एकड़ सरसों भी प्रति एकड़ लगाया, और 12-13 क्विंटल प्रति एकड़ सरसों प्राप्त किया, और इंटरक्रॉप में चुकंदर, गाजर, अलग, ये 6-6 क्रॉप लगाते एक जगह में। मात्र ये 22 एकड़ में 45 लाख का इनका टर्नओवर है, 22 एकड़ में मात्र। केवल 3 किलो इन्होंने चना लगाया और 18 क्विंटल चना निकाला है। तो इस और ये स्थाई बेड से करते हैं, ये अब जुताई बंद कर दिए पूरे 22 एकड़ में, स्थाई बेड बना ली और फसल लगाते रहते हैं, और 3-3, 4-4 क्रॉप लगाते हैं, और जबरदस्त फसलें होती हैं इनके यहाँ। ये फाजिलका के ये सब मैंने नाम नंबर दे रखा है, ये सब नाम नंबर है, ये देखिए ये भी नाम नंबर सहित मैं देता हूँ, है ना। आप इन किसानों के यहाँ बात करके इनकी जाके खेती देख सकते हैं। फिर जो है हमारे कृष्ण शर्मा जी है, ये पेशे से हलवाई थे, किसी ने कहा खुद खेती करके बताओ तब खेती का ज्ञान देना, ये जैविक खेती की ट्रेनिंग करवा रहे थे एक संस्था में, समाज सेवी भी है, लोगों ने कहा तो इनका मूड हुआ, खेती शुरू किए, और मेरी जो है यूट्यूब से, मुझे मिले भी नहीं, यूट्यूब से ही देखते रहे, ये सब ऊर्जा जल अनुजल बनाए। पिछले साल इनके यहाँ 14 क्विंटल कपास और मात्र 20 ग्राम सरसों लगा के 12 क्विंटल 70 किलो सरसों निकला 1 एकड़ में। तो इनको भारत का
जैविक खेती के क्षेत्र में सर्वोच्च कपास उत्पादक का पुरस्कार भी मिला और 1,10,000 रुपए का इनको इनाम भी मिला। तो खेती भी अच्छी, ये भी इनकी मिट्टी भी मक्खन हो गई है और ये भी बोते हैं और कहीं जाके सोते हैं वाली बात है। इनको चिंता ही नहीं है, पूरी फसल हरी कच्च रहती है। इनकी कपास जो है 8 फुट 10 फुट की थी, 4 बार तोड़ाई के बाद भी हरी कच्च थी। ये इनका नंबर है। ये रहते हैं भिवानी के एक गांव है बुढ़ेरा हरियाणा में। ऐसे तमाम बहुत सारे किसान हैं। एक और मैं सफलता की कहानी बताऊंगा, इनका स्वास्थ्य पर है। ये पेशे से नर्स थी श्रीमती सीमा धुर्वे जी, नर्स थी। इनकी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई थी और उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। वो उसी अवस्था में उन्होंने मेरे वीडियो देखी, पंच महाभूतों का ज्ञान का अनुभूत किया, अग्निहोत्र शुरू किया, इसका पानी पिया और छत पे इन्होंने सब्जी लगवाया। अपने उनके पति सारा काम करते छत पे सब्जी का, और ये सब्जी खाई और ऊर्जा जल पी, इसको लगा मैं चल सकती हूँ, चलने लगी, दौड़ने लगी। नर्स के पोस्ट से रिजाइन देके और जो पूरी बेड में थी, जिसको डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर चल नहीं सकोगे, वो खेती शुरू कर दी भोपाल में। खेती शुरू कर दी, सोचिए, और पपीता और सब सब्जियों की खेती शुरू कर दी रिजाइन करके। तो ये जो है संपूर्ण स्वास्थ्य भी, TCBT जो जीवन शैली है, पंच महाभूत के आधार पर जीवन जिएंगे तो कितने ही बीमारी रहे सबसे मुक्त हो जाएंगे और स्वस्थ जीवन पूर्ण जीवन जिएंगे। ठीक है, ये भी सारे जो हैं सब किसान हैं, सबके अलग अलग नाम नंबर भी मैंने दिए, अलग अलग राज्यों को हमने निकाला है, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ऐसे अलग अलग राज्यों के हमने निकाला। हरियाणा है, महाराष्ट्र है ना, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ऐसे सारे किसानों के नाम नंबर सहित है। अपने अपने राज्यों के किसान बहुत दूर ना जाए, अपने राज्यों के किसानों के यहाँ जाए, पूरी थीम सीखे, खेती शुरू करे, 100% वो जो है रासायनिक खेती के चक्र से मुक्त हो जाएगा। थोड़ा और सीखना है तो सोल एजुकेशन ऐप है यहाँ पूरा, क्योंकि यूट्यूब में सिस्टम नहीं है सर, कहीं के वीडियो कहीं निकलते रहते, तो एक ऐप हमने बनाया है, ये एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर लीजिए, कुछ दिनों बाद हम इसको आपके इस ऐप में भी ले आएंगे, क्या बोलते हैं इसको, एप्पल में भी, अभी एंड्रॉइड में है सोल एजुकेशन। और थोड़ा 10-10, 12-12 रुपए के पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब ऐप चलाने के लिए पैसे लगते हैं, तो ये करना है। और फार्मर ऐप भी है, किसान एक किसानों की सुविधा के लिए, मान लो उसको कपास लगाना, तो पूरा कपास कैसे कैसे लगाना है, किस किस दिन में क्या करना, पूरा वर्णन है। तो सभी फसलों का पैकेज आप प्रैक्टिस हम डाल रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर ले, एक सोल दुकान ऐप डाउनलोड कर ले, कुछ चीज चाहिए तो वहां से बुला लें, अपना दाल चावल बेचना है तो उसमें डाल दे, ये ऐप रहेगा और ये ऐप परसेंट भी देगा। जिसका मान लो 90% 95% उसने TCBT किया है, तो इसका अनाज सबसे पहले सोल दुकान बेचेगा, फिर जिसने इससे कम किया सेकंड में उसका नंबर आएगा। तो सोल दुकान ऐप भी है, दुकान ये भी डाउनलोड कर ले, और सब कुछ उसमें खाने पीने की चीजें मिलेगी। ये किसानों की संस्था है, ये कोई इसमें उद्योगपति नहीं है, सब किसान ही मिलके ये सब कर रहे हैं, ये सारे ऐप भी। ठीक है, और इस तरह से जो है ये पंच महाभूत आधारित कृषि करें। मैं खेती के लिए नहीं, पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करने के लिए काम करता हूँ, और उसी के लिए आपको भी इतना मैं समझा रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट है पंच महाभूत शुद्ध हों, सजीव हों, शक्तिशाली हों, और ये रहेंगे तो पूरी मानव प्रजाति नहीं, पूरी धरती भी शांत और सुखी जो है, शांत रहेगा, आनंद में रहेगा, सुखी जिएगा। तो हे मेरे भगवान, आपको मैं अपनी साधना, आज की साधना समर्पित करता हूँ। मेरा विषय समाप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किशोर भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा अपना पर्सनल अनुभव के आधार पर, आपने जो खपतवार बोला, तो एग्रीकल्चर में जितनी भी खपतवार है, इनकी से ग्लोबल मेडिसिनल प्लान करीब 100 मैंने आइडेंटिफाई किया है कि जितनी भी खपतवार में भूमि आमदनी है, पुनर्नवा है, तपथवा है, कलजरा है, वो गाय भी खाती है, और तकलीफ ये होगी कि हमारे जंगल बंद हो रहे हैं, रोड में ब्लॉक लग रहा है। हमारी दो पार्टियों ने अपने साथ सर्वे किया था कि खपतवार लोग खरीद लेते थे खेत की, तो हम एग्रीकल्चर में तो काम करेंगे, पर खपतवार जरूरी है।
से भी खतरनाक है, मगर कोरोना में हमको भूमि आंदोलन की ढूंढने में और यदि खेत में 25-25 किलोमीटर जाना पड़ा तो अपने अमाउंट है और उसमें भी कृषि देखिए क्या है भट्ट साहब, प्राकृतिक खेती में खरपतवार रहता है पूरा खत्म, रासायनिक खेती में पूरा खत्म होता है, और मैं जो खरपतवार की बात कर रहा हूँ वो नुकसान, क्योंकि अगर हमने जो है जो फसल लगाया है 97% हमारे खेत में वही फसल होना चाहिए। आपने देखा होगा आज जो है लोग गेहूं लगाते उसमें इतना खरपतवार उगता है कि गेहूं 3-4 क्विंटल होता है, 6 क्विंटल, तो फसल के जगह फसल रहना चाहिए, खरपतवार के जगह खरपतवार रहना चाहिए, और हर खरपतवार औषधि है, मेरे गुरुजी ने भी यही सिखाया है, लेकिन जहां खरपतवार है वहां खरपतवार रहना चाहिए। आप अमलकी की खेती करिए, खूब अमलकी होगा, यह अमलकी होता ही हमारे सड़क के किनारे सब होता है, गाजर घास ने, पार्थेनियम ने अमलकी को खत्म किया और ये लेंटाना ने खत्म किया, तो बायोडायवर्सिटी को निगेटिव पौधों ने खत्म किया है। और अभी जैसे हमारे खेत में क्या दूबा हो जाता है, अब जिन किसानों के यहाँ दूबा होता है पूछिए वो कितना रोते हैं। अभी तो मैं जब मैं अध्ययन कर रहा था 2005 में, तब एक वैज्ञानिक की रिपोर्ट थी 57% उपज घटा दी खरपतवार, 2005 की रिपोर्ट थी, आज तो 90% फसल खत्म कर दी। मक्का के खेत में अगर खरपतवार उगे तो मक्का इतने रह जाते, खरपतवार इतने हो जाते हैं, कपास के खेत में खरपतवार उगे तो खरपतवार बढ़ जाते, कपास छोटा रह जाता है। तो मैं जिन खरपतवारों की बात कर रहा हूँ वो दूबा है, कास है, कुसा है, मोथा है, ठीक है। आप जिनकी बात कर रहे हो अमल की है, आप जो बात कर रहे हो ना क्या बोलते हैं ये चौड़ी पत्ती वाला अपना पुनर्नवा है, तो ये होने चाहिए, ये हमारे खेत में मेड़ों पर होते ही हैं। तो मैं इन खरपतवारों की बात कर रहा हूँ, खरपतवार ये खरपतवार और मेडिसिनल है, ये मेडिसिनल होते ही हैं, और मेडिसिनल की जरूरत हमारे जीवन में इतनी सी है, इतनी सी, आज बीमार हो रहे हैं इसलिए इनकी जरूरत है, अन्यथा पंचमहाभूत फूड खाइए, कोई औषधि की जरूरत ही नहीं है, आयुर्वेद तक पहुंचना ही नहीं है, आयुर्वेद तक जा रहे हो इसका मतलब है आप पंच तत्व युक्त भोजन नहीं कर रहे हो, आप पंचमहाभूतों के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो, तो आप मेडिसिनल में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका उस तरफ है। और आप लोगों को बोलिए कि आप प्राकृतिक खेती करिए, ये सब पौधे बचे रहेंगे मेड़ों में, आज मेड़ों में जो है कहीं पर भी जो है इंद्रायण नहीं मिलता, आज मेड़ों में कहीं पर भी जो है ये जो है जो जितने भी आप अमल की बता रहे हो और जो जो भी आप पौधे बता रहे हो ये मिल नहीं रहे, क्यों? रासायनिक खेती ने इनको खत्म किया है और रासायनिक खेती ने पार्थेनियम को बढ़ा दिया है। तो इसलिए क्या है कि ये बिल्कुल जरूरी है, ये कृषि को आप करवाइए, कहीं चिंता नहीं करिए, आपको जो है जो 0.2% औषधि चाहिए ना वो सब मिलेंगे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छे है, और उमा जी, नागेश जी, मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कुछ। बेटा पानी पिलाओ जरा। हाँ जी बताइए बताइए। नहीं बहुत अच्छा है। हाँ जी बेटा उमा जी बोल रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच ताराचंद जी, इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन and I will be looking forward to your next session also. आज का सेशन कैसा लगा बाकी लोगों को भी बताइए, अभी 5-7 मिनट बाकी है, क्या कोई प्रश्न हो तो वो भी बता सकते हैं। जिनका प्रश्न हो पूछिए, बता देंगे से वो जा रहे हैं आपसे, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं, तो कब है आप प्रश्न? संजय जी मैं आपको अनुरोध करना कर रहा हूँ, आप जरा बताइए। नमस्कार ताराचंद जी। हाँ जी भैया नमस्कार। तब आपको नमन है, आप साइंटिस्ट हो, ऋषि हो, मालूम नहीं क्या बोले आपको जी, तो जी। जो आप आपका प्यार है, स्नेह है। और मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने बताया कि कार्बन पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम फसल ले दे जाते हैं वो न्यूट्रिशन वो जमीन से ही खींचता है पौधा, नंबर वन, तो कितने साल के बाद कुछ कम होगा या हमको रिपीट करने पड़ेगा? दूसरी बात, मैंने ऐसा सुना है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जब टेम्परेचर होता है तो कार्बन इवोपरेट होता है, उसका ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये प्रोसेस थोड़ी समझ नहीं थी कि कार्बन कहाँ तक रहेगा।
प्राकृतिक खेती में कार्बन हमेशा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप फसल लेते हो सूर्य प्रकाश का, आप जो अनाज लाते हो ना खेत से, वो सूर्य प्रकाश का, सूर्य प्रकाश की खेती करते हो आप। आपने मान लो 100 क्विंटल अनाज लाया, 100 क्विंटल, तो आप समझिए कि 97 क्विंटल अनाज सूर्य प्रकाश का है, 97 क्विंटल। 3 क्विंटल जमीन से लाया आपने, 3 क्विंटल, लेकिन बदले में आपने अनाज लाया ना, उसका जो भूसा है, चारा है, उसका जो फसल अवशेष है, वो वापस जमीन में आपने बिछा दिया, तो 3 क्विंटल मात्र जमीन से निकाला, और कम से कम जो है 30 क्विंटल, 25 से 30 क्विंटल जमीन को वापस दिया कार्बन। 97 किलो तो केवल जो है सूर्य प्रकाश है, ये मैंने मेरे गुरुजी के गुरु अत्यंत दाभोलकर जी ने सिद्ध भी किया गणित की भाषा से, हम खेती सूर्य प्रकाश की करते हैं। तो आप जो है 13 तुझको अर्पण, हमने जमीन से निकाला और जमीन को ही फसल अवशेष के रूप में वापस किया। यदि इस फसल को गाय को खिलाते हो तो उसका गोबर वापस कर दो, वो और जो है रिच होके आपको मिलेगा, गोबर धन बना के वापस कर दो अपने खेत में, अगर इस फसल अवशेष को गाय को खिलाते हो तो। तो हमारी खेती 10,000 साल पहले भी हमारी खेती होती थी, तब भी खराब नहीं हुई, और मेगास्थनी जब भारत आया था तब भारत में 44 क्विंटल प्रति एकड़ धान का उत्पादन था, 44 क्विंटल एकड़ भारत में एकड़ चलता है, तब भी हमारी खेती, कभी हमारी खेती खराब हुई 1770 के बाद, 1210 के बाद ही शुरू हो गया था खेती खराब होना। इस पर मैं अभी पूरी किताब लेके आ रहा हूँ कि भारत का प्राचीन जो है कृषि का जो इतिहास रहा है, ये सब जहाँ तहाँ से मैं इस पर खोज कर रहा हूँ कि कब क्या हमारे भारत में होता था और क्यों हमारी खेती कब खराब हुई। तो ये प्राकृतिक खेती करिए, मिट्टी कभी खराब नहीं होगा। और दूसरा प्रश्न आपका क्या है, क्या था, मैं भूल गया। लेकिन इसमें ताराचंद जी ये प्रश्न है कि ये जो किसान लोग ये जो जलाते हैं पराली वगैरह को, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उससे तो कार्बन पूरा उड़ जाता है आसमान में, हवा में। कार्बन ही नहीं उड़ता, आसमान में नहीं उड़ता, तापमान संकट अलग से हो रहा है अभी जो है, अवर्षा मतलब आगे पीछे वर्षा हो रही है, गर्मी में सर्दी हो रही है, इतना ही नहीं होगा, कई प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। ये रासायनिक खेती की दुष्परिणाम है, ये रासायनिक। आप प्राकृतिक खेती में किसान को सिखा दो 4 महीने जो है भूमि उपचार करे, फिर जो फसल अवशेष है आच्छादन कर दे, बस आच्छादन करते चले जाए। आप ठीक पद्धति, ये जो बड़े बड़े हार्वेस्टर आए ना पंजाब में, उनने सिखाया खेत, मेरे यहाँ भी कभी खेत नहीं जलाया गया। 10 साल पहले जब पंजाब के हार्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, तब मध्य प्रदेश में खेती जलाना। तो ये जो बड़े बड़े यंत्र आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, भारत ने या दुनिया ने विज्ञान विकसित कर लिया, लेकिन जो है ना वो हृदय को विकसित नहीं किया, करुणा को विकसित नहीं किया, इसलिए केवल लाभ लाभ देख रही है दुनिया। तो प्राकृतिक खेती, ये पंचमहाभूत कृषि सिखाइए, इस समस्या का 100% हल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए, मैं फुर्सत में हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हिंदी में बताइए अजीत भाई, हिंदी में। गुरु जी पैर लगता हूँ। हाँ जी, हाँ जी जी, प्रणाम प्रणाम। अजीत सतरा बोल रहा हूँ।
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए ऐसा है। सबसे पहले तो जो जीव नुकसान करता है उस जीव का इमेज दिमाग में बनाए, माथा जमीन से टिका और प्रार्थना करिए, हे उदय ये मेरी ये फसलें मेरे परिवार के पोषण के लिए है, मेरे समाज के पोषण के लिए, कृपया आप जो है यहाँ से हट जाएं, अपना भोजन करें, मेरे फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें, ये प्रार्थना करिए। कुछ कुछ बस जीव हैं जो प्रार्थना को नहीं मानते, जो भयंकर नेगेटिव होते, बाकी जीव मानते हैं 100%। प्रार्थना करोगे दूसरे दिन जो है जिराफ या जो आते हैं ना बनरोज वगैरह वो आपके फसल में नहीं आएंगे, सुअर भी नहीं आता, प्रार्थना सुनता है, कुछ कुछ जीव बस नहीं सुनते, तो प्रार्थना करो। दूसरा क्या है कि अभी मैंने कुछ फार्मूले बताए नहीं है, बहुत से फार्मूले और हैं, उसमें से एक फार्मूला कीट भक्षक घोल, ये मेरे यूट्यूब पे जाके उसको देखिए और 200-400 लीटर ये डाल दीजिए एक साथ। ये घोल डालते ही उदय की समस्या नहीं, व्हाइट ग्राफ, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, ये सब को जो है ये मांसाहारी जीव हैं, उनको खा जाते हैं, शाकाहारी जीव हैं, तो बिना जो है हमने मारे और इन जीवों को हटा दिया हमेशा के लिए परमानेंटली। तो ये एक उपाय है कीट भक्षक घोल। हाँ जी अच्छा हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। ये चंदन जाट जी है, इनकी खेती देखने अभी 4 दिन पहले मैं गया था, अपने इस पे डाला है 4th साल का केला, 30 किलो की खाम आ रही इनके यहाँ, और वही मैंने एक जो है इस उस बुरहानपुर जिले के सबसे विकसित किसान के यहाँ गया, पहले साल का केला उनके यहाँ कंडप पड़ा है, 1.5 लाख खर्च करके भी केला कुछ नहीं है उसके यहाँ, और अगले हर साल वो केला का नया पौध लगाते हैं, हर साल 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं और हर साल जो है रोते धोते फसल निकालते। वहीं हमारे ये भाई हैं चंदन जाट जी, इनका 4th साल का केला बहुत जबरदस्त है, आप सब इनसे बात कर सकते हैं, लाइव आ गए हैं तो अच्छी बात है, ये सक्सेस स्टोरी इनकी है। मैंने इनका नाम भी अभी आज ही इनका नाम जो है शामिल किया है सक्सेस स्टोरी में, तो आप सब लोग बात कर सकते हैं। चंदन जाट जी कहाँ है, ये है चंदन जाट जी, ये इनका नंबर है। ये दीदी अभी दीमक का कह रही थी, तो दीमक मित्र कीट है गुरु जी, बोलते हैं कि इस तरह अपन बना देंगे या उसको सूखा भोजन नहीं मिलेगा, अपन आग लगा रहे हैं इसलिए वो फसल की जड़ को खा रहे हैं, और व्हाइट ग्रफ दीमक फसल की जड़ को मार रहा है और दीमक का नाम आ रहा है गुरु जी। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, दीमक क्या करता है सूखी चीजों को ही खाता है, मित्र कीट है और उसको व्हाइट ग्रफ गोबर का कीड़ा जमीन को खत्म कर रहा है। इसका डेमो भी मेरे खेत में, मैंने गोबर ठीक है ठीक है। और किसी कोई प्रश्न हो चंदन भाई से कोई चर्चा करनी हो कर सकते हैं। हेलो हाँ जी ये कह रहे हैं साउथ इंडिया वो ऐसा पूछ रही है कि क्या हम लोग बीज को फील बनाए, यानी कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बीज को फील बनाएंगे,
यानी कि जो खरपतवार है उसी को ही खुराक बनाकर फर्टिलाइजर के रूप में क्या उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में उनका एक प्रश्न है। फॉर्मूला है गुरु जी का कि आप पूर्णिमा पे खरपतवार को कटवा दीजिए, उखाड़िए मत, निकालिए मत, तो काट कर फूल लिया उसके पहले उसको मतलब अच्छा धन बना दीजिए खेत में, मल्चिंग कर दीजिए। पूर्णिमा पे पूरी ताकत पत्तियों में चली जाती है पौधे की, और वो कट जाता है ना तो उसकी ताकत पत्तियों में रहती है तो उसको फुटाव के लिए जगह नहीं रहती, जो नीचे रह जाता है वो कार्बन का काम कर देता है। गुरु जी आप जरा इस पर विस्तृत बता दीजिए। हाँ आप सही बता रहे हो, बताओ बताओ, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। आप अच्छा बता रहे हो, ये ऊर्ध्वगमन और जो आवास के बीच जो अधोगमन जो होता है उसके लिए जो कंदमूल के कब काटना कब नहीं काटना और ऊपर कब कटाई करनी उसके बारे में ये बहुत सूक्ष्म जानकारी है। आप ताराचंद जी बताइए तो बहुत हम लोग आभारी रहेंगे आपसे। क्या होता है अमावस पूर्णिमा के दिन सारा रस पौधों का पत्तों पर रहता है, सारा रस। उस दिन यदि आपने खरपतवार काट लिया तो खरपतवार ऊपर से भी खत्म हो जाएगा, नीचे से भी रस नीचे नहीं जाएगा तो उगने की संभावना नहीं रहती, फिर वो गल के खाद बन जाता है। और उसको काट के आपने खरपतवार को काट के वहीं बिछा दिया तो वो क्या है पत्तियों में सारा रस रहता है, तो सारा रस फिर डिकम्पोज होके और जो है वो जो है फसल को मिलती है, तो जड़ भी सड़ गई, पत्ती भी अच्छी पत्ती भी जो है और हम डिकम्पोज होके पौधे को मिल गई। तो ये जो है इसको इस तरह से करना। और इसमें अपन ने क्या है, जैसे इनके यहाँ केला है तो हमने इनको बताया जो बेड इतना बड़ा है तो बेड के किनारे किनारे एक लाइन में बिछाओ और नाली को गड्ढा करके बेड के वो जो कचरे के ऊपर मिट्टी चढ़ा दो। मिट्टी नहीं चढ़ाओगे तो ये सारा जो है और कार्बन बन के वाइपरेट होके हवा में चला जाएगा। तो आप क्या है किनारे किनारे बिछाओ मिट्टी चढ़ा दो, अगले साल खरपतवार निकला किनारे किनारे बिछाओ मिट्टी चढ़ा दो, ऐसे पूरे फैलाओ मत, बस एक ही जगह करो और मिट्टी चढ़ाओ तो उससे सारा कार्बन जो है वो उससे जो सारी पत्ती कार्बन में बदल जाएगी, जड़ भी कार्बन में बदल जाएगा। और एक साल बस ये करना, अगले साल तो 80% खरपतवार उगना ही बंद हो जाता है। और गोवर्धन खनिज खाद डालिए बिल्कुल 100% जो है, आप लोग जहां हो वहीं से, अभी ये कोरियर से भी उपलब्ध हो गया है, और जो है केवल 20-25 किलो ही डाल देंगे तो आपको असर अंतर दिखेगा कि खरपतवार कम हो गए हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा बाकी के तीन लोगों के प्रश्न है, मैं सभी तीनों को वन बाय वन अनम्यूट करता हूं और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछे। हाँ सकते हुए जी जी है ना। अच्छा सनी भाई प्रजापति मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते भैया। गुरु जी आपने बोला कि सनरस इस पृथ्वी में मतलब 6 रस है, तो क्या हम ये पीसीबीटी पद्धति में एक कड़वा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन और खट्टा जैव रसायन है तो उसके अलावा 3 और जैव रसायन बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते, वो फिर रसायन नहीं बनेंगे, वो कुछ और बनते हैं, वो दूसरे फार्मूले हैं उसके लिए। अच्छा, जो तीखा तीखा तो दीमक का तो मैंने ऊर्जा जल डाला है, मेरा घर खेत में है तो मैंने ऊर्जा जल डाला तो पूरी दीमक गायब हो गई, मतलब 2 ही दिन में। अद्भुत है भाई। अब मैंने तो ऊर्जा जल दीमक गायब करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन ऐसे तमाम लोगों के आते हैं। अभी किसी ने बताया मैंने छाछ द्रव्य रसायन डाला था तो इल्ली नहीं आई मुंह में, एक ने बताया वो कड़वा जो है जैव रसायन बनाया था उसका तुम्बे का तो इल्ली मर गई। तो हमने तो ये फार्मूले किसी और के लिए बनाए हैं। कड़वा जैव रसायन के बारे में जब रिपोर्ट किसी सर आती है तब आपने उसका प्रयोग बताया था, एक गुप्ते वीडियो मेरे पास आपने किसी फॉलोअर ने मुझे दिया था, मैंने सेव करके रखा हुआ है। जी 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 कड़वा जो जैव रसायन है उसका मैं वीडियो में सारे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं अभी भेजने वाला हूँ ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया, वो पूरे साल भर तक चलता है। ठीक है ठीक है, और दूसरा प्रश्न बताइए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिग्नेश भाई को कि अपना प्रश्न सक्सेस पे पूछे। गुरु जी। हाँ जी। हम लोग आलू लगाए थे इस बार, कौन सा फार वन को फार कट बोलते हैं। चलिए आप जो है लिख के भेजिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नेक्स्ट कोई और बताइए। कृष्णन जी बता सकते हो?
क्रिस्टल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप सभी लोगों का धन्यवाद, उमा महेश्वरी जी का भी धन्यवाद और गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम, बस इतना ही बोलना है। हाँ हाँ ठीक है यार जी, बढ़िया है, बढ़िया करिए छत्तीसगढ़ में। अच्छा ठीक है, तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल जो है मैं जैविक जीवन शैली विज्ञान पर विषय रखूंगा, किस प्रकृति में जीवाणु कैसे काम करते हैं और कैसे जो है हमारे शरीर की और पेड़ों की रचना होती है, और ये जो जैविक जीवन शैली विज्ञान के आधार पर हम कैसे हमारा स्वास्थ्य, पौधे का स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। गंध चिकित्सा, रंग चिकित्सा, स्वर चिकित्सा पर कल हम चर्चा करेंगे। तो कल का सेशन जो है वो स्वास्थ्य और जीवन शैली पर रहेगा, खान पान पर रहेगा कि हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारी ऋतुचर्या कैसे हो, है ना, और हमारी जो है कि जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष, हमारे शरीर का जो है कैसे हम इस कार्य में लगा करके और हम पूर्ण आयु कैसे जी सकते, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल आप सबसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। आपके लिए मैं स्पेशल कल रात में जो है 550 किलोमीटर चल के आया, नहीं तो फोन से यात्रा करता तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रह जाता। तो कल जो है मैं जो आज निकलना था सुबह, वो रात में ही निकला कल जो है 8 बजे, तो सुबह 4:30 बजे जबलपुर आया। हाँ तो ट्रेवलिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा जा रहा है, और आपने पूछा था कि सब लोगों का प्रतिसाद देखकर बताइएगा, तो बहुत सारे लोग हमारे बहुत उत्सुक है, सब लोग आभारी है। हम सभी लोगों को तो एक साथ में बुलाने का मौका नहीं दे सकते, लेकिन हम सारे लोगों के लिए आपके ऊपर मैं नागेश भाई को बोलूंगा कि 2 शब्द वो कहें और आज के कोर्स की पूर्णावधि करें, और कल के 8:30 बजे की हम लोग तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादाचंद जी, आपने जिस तरीके से एक हमारा जो ऋषि कृषि का जो एक हमने जो एक उद्देश्य लेके चल रहे थे उसकी तरफ आपने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, और इस तरीके से हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो आपने जो हमारा भारत का सनातन कल्चर है उसको वापस से एक तरीके से रेखांकित किया है और उसको चरणबद्ध तरीके से बात कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से पत्तियों की बात की, तो चंद्रमा पूर्णिमा पे क्या होता है कि पूरे टाइड्स आता है, वो पानी के सहारे पूरा पत्तियों में ले जाता है, तो उसके साथ साथ जितने भी उसका सत्व है, जितने भी सारी चीज़ें हैं, मतलब उसकी जो ऊर्जा है वो पत्तियों में आ जाती है, उसके मीठे में मार्जिन में सब दूर आ जाती है वो, और उस तरह से वो संचय होकर वापस से हमारे पृथ्वी में वापस से समा जाती है, तो हमारे को नुकसान नहीं होता बल्कि उसका फायदा होता है। दूसरा आपने जो बताया है कि कार्बन हमारा मॉइस्चर को मेंटेन करता है, तो वो जो खरपतवार है या खरपतवार फायदेमंद या नुकसानदायक है वो एक अलग प्रश्न है, कौन सी है कौन सी, क्योंकि क्या होता है आप जो कह रहे हैं या आप जो बता रहे हैं और किशोर भाई जो बात कर रहे हैं, तो वो जो खरपतवार फायदेमंद है वो बायो प्रोडक्ट भी हो सकती है, लेकिन वो हमारे विवेक के ऊपर है कि वो कौन से खरपतवार को हम नेगेटिव अगर कोई चीज़ को जनरेट करते हैं तो वो नेगेटिव खरपतवार आती है, जैसे आपने कहा कि खड़े गोबर को डालेंगे आप और गाय देशी गाय के बजाय दूसरी गाय का गोबर का यूज करेंगे जो कि पूरी तरह से पका हुआ ना हो, मतलब जो परिपूर्ण ना हो, अगर हम गलती करेंगे तो हमको उसकी सजा मिलेगी चाहे वो किसी में हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और कल वापस से हम इस पूरे जो तीनों आपने सेशन लिए हैं उन तीनों सेशन के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अभी आधा बात नहीं, क्योंकि आपने पहले भगवान को बुलाया, फिर आज आपने भगवान को स्थापित किया और कल भगवान का भोग लगाएंगे जैसा हम मानते हैं, क्योंकि आप परिपूर्ण तरीके से, क्योंकि जीवन शैली आती है मतलब भोग मतलब लोभ हमारा, अब हम लाभ शुभ लाभ और भोग की तरफ नहीं जाके हम वापस से अपने सनातन की तरफ जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक नारायण जी को सुना और चिंतन जी का, उमा जी का और किशोर भाई का, सब लोगों ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, जिन्होंने प्रश्न पूछे उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिज्ञासा होती है वो, और वो हम लोगों ने सब लोगों ने एक पारिवारिक रूप से इसको सम्मिलित किया, और ताराचंद जी ने भी उसको बहुत धैर्यपूर्वक जवाब दिया, चिंतन जी ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और उमा जी ने प्रार्थना करवाई, मैं सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ और कल का रास्ता देखते हैं हम। ताराचंद जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सबका। जी जी नमस्कार जी।